गुड आफ्टरनून बच्चा लो गुड आफ्टरनून क्या हाल चाल क्या हाल चाल कैसे हो कैसे हो कैसी है बच्चा पार्टी एम आई लाइव क्या मैं लाइव आ गई हूँ देखा जाए जरा थिंक आई एम लाइव ओके यस आई एम लाइव ओके जी यस मैं लाइव हूँ बिल्कुल बिल्कुल एक मिनट जरा मैं अपनी टीम को बोल दूँ एक ज़रा मेरा एक सेशन को पिन कर दिया जाए जो हमारा कल ये सेशन होना है आज हम ये चैप्टर ख़त्म करेंगे और कल मैं इसका टेस्ट लेने वाली हूँ तुम्हारा ट्वेल्व थर्टी तो उसी का मैं लिंक आपका पिन करवाने लगी हूँ अभी ओके okay, यस yes, हाँ जी भाई चलो क्या हाल चाल ठीक है तो इस चैप्टर को आज हम खत्म करेंगे बड़े ही शानदार तरीके से खत्म करेंगे वी आई एम गोइंग टू एश्योर यू कि आपके इस चैप्टर से तीन से चार क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है तो मतलब चौदह नंबर का आपका वो फोर्टीन का नहीं भाई सिक्सटीन का होगा फोर्टीन का नहीं भाई सिक्सटीन का होगा ठीक है सिक्सटीन नंबर का आपका जुगाड़ इस इस सेशन से होने वाला है, एक ही शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करेंगे एंड आई विल कीप इट एनसीईआरटी बेस्ड स्ट्रिक्टली क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आने वाला डीपीपी आपको मिल जाएंगे एंड बच्चे 5000 क्वेश्चन का सीरीज मेरा चल रहा है स्पेशल क्लास पे इज फ्री जिसका लिंक अभी थोड़ी देर में आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा उसको जरूर एनरोल करना है क्योंकि कल साढ़े बारह बजे मैं इसी चैप्टर के सुपर फिफ्टी क्वेश्चन करवाने वाली हूँ आर वी रेडी हाउस आर वी रेडी बच्चो यस आर वी रेडी टू टेक डाउन अनदर चैप्टर यस गार्गियंस कम कम ऑन ऑन बच्चा लोग तुम लोग मुझे फिर से गायब हो गए हो मेरी यहाँ से लैग वैग तो नहीं है हाँ जी मुझे पता है आज टाइम चेंज कर रहा है तो शायद कुछ बच्चों को थोड़ी दिक्कत होगी हाँ यस yes, बता दो बता दो ओके जोश हाई बाकी बच्चा कहाँ है भाई जैसे टाइम चेंज करे ना ये वैसे ही तुम्हारी ना सिटी फिटी कुल हो जाती है गुल है ना गुल हो जाती है सिटिविटिक गुल हो जाती है तुम्हारी टाइम चेंज करते ही बट यार मुझे करना पड़ना था क्योंकि दैट वॉज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे को उस टाइम में हमारा ओरिजिनल टाइम अच्छा था लेकिन ये टाइम पे मैं नहीं एडजस्ट कर पा रही थी ओके okay, चलो शुरू करते हैं हाँ जी ओके okay, यस yes. टाइम नहीं टाइम नहीं टाइम बच्चे वो मैं टाइम नहीं रख पाऊंगी ठीक है आई वोंट बी एबल टू कीप दैट टाइम बट मुझे दो तीन दिन देखने दीजिए इससे क्या कैसे ठीक रहता है क्योंकि तुम्हें तो पता है कि मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं रहता ठीक है हाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी भी करेंगे ठीक है चलो और फटाफट से सब लोग लाइक कर दो सेशन को जो लोग आए हैं जो अच्छे बच्चे हैं जो सेशन में पहुंच चुके हैं फटाफट से लाइक कर दो हुं? हाँ एवरी डे क्लास बारह बजे कर दो चलो तुम मुझे सजेशन दे देना ठीक है तो मुझे सजेशन दे देना चलो शुरू करते हैं लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर एन में साथ में लेकर आई हूँ जहाँ पर uh, मतलब साथ साथ में करते रहेंगे कि एन में ये वाला पोर्शन कवर हो चुका है या ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है वी ऑल्सो सी द फिगर्स द डायग्राम द स्ट्रक्चर्स जो uh, आपके मेजर टेबल दिए हुए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में है ना हाँ जी चलो आ जाओ नहीं नहीं एन रीडिंग नहीं मैं साथ में नोट्स भी बनवाऊंगी तुम्हारे क्योंकि कुछ बच्चों ने मेरे साथ ये चैप्टर नहीं पढ़ा है वो बच्चे को के भी नोट्स उसके पास होने चाहिए चलो शुरू करते हैं शुरुआत की जाए एंड शुरू करने से पहले एक बढ़िया चीज़ जो तुम्हें पता ही है दैट इज कि अपना जो क्रैश कोर्स है बच्चे वो अब आपको मिल रहा है 2799 पे गार्गी कोड लगा के आपको अप टू 36 परसेंट ऑफ मिलेगा और आपको मेरे गाइडेंस मेरे मेंटरशिप में मैं ऐड कर लूंगी वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट वेरी मेजर न्यूज इज कि हमारा लक्ष्य बैच आ रहा है विद ऑल द अमेजिंग टीचर्स ठीक है इन सारे बढ़िया टीचर्स के साथ हमारा एक बैच आ रहा है बच्चे जहां पे आपको दो साल का सब्सक्रिप्शन पे ठीक है आपको तीन महीने का फ्री मिल रहा है एंड अर्ली बर्ड ऑफर है जहां पे आपको थर्टी फाइव परसेंट ऑफ मिलेगा जब आप मेरा कोड लगाएंगे गार्गी तो ये है आपका 2025 के लिए जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है आई नो आपका कोई भाई है बहन है पड़ोसी है उसको बता देना कि ऐसा एक कोर्स शुरू होने वाला है जहां पे बिल्कुल डिटेल बेसिस पे टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं आपको हर एक चीज कवर करी जाएगी बिल्कुल प्यार प्यार से जीरो से एकदम बेसिक से एंड आपको टेस्ट सीरीज आपको डीपीपीज आपको डाउट सॉल्विंग एवरी यू विल गेट एंड दिस इज प्राइज एज फोर्टी बच्चे क्योंकि दो साल का आपका कोर्स है चलिए जी शुरू करते हैं विद बायो मॉलिक्यूल्स है ना बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं सारे कंपाउंड सारे के सारे कंपाउंड जो आपको लिविंग टिश्यू से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स ठीक है अच्छा और इन कंपाउंड में क्या है कार्बन होगा ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू दे आर नोन एज मॉलिक्यूल्स ये देखो यहाँ पे इसका डेफिनेशन है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द डेफिनेशन है ना 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 अरे भैया चलो कोई बात नहीं मैं लिख देती हूँ मेरे को अब एन में नहीं मिला मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ ठीक है बायो मोलिक्यूल क्या है वॉट आर बायो मॉलिक्यूल्स बायो मॉलिक्यूल चैप्टर कर रहे हैं तो बायो मॉलिक्यूल तो पता होना चाहिए है ना और देखो मैं पाँच दस मिनट में बैठ जाऊंगी क्योंकि मेरे माई लेग्स आर गिविंग अप आई नीड सम टाइम हीलिंग के लिए और मेरे को वो टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं रोज ही क्लास ले रही हूँ दैट इज वाई चलो आ जाओ यस दैट इज इनफ दैट इज आल्सो इनफ चलो यस विल ट्राई टू फिनिश चैप्टर इन टू आवर्स और टू आवर्स इन ट्वेंटी फिफ्टीन और ट्वेंटी मिनट्स में ठीक है इससे ज्यादा टाइम नहीं लेने वाली तो बायोमोलिजिक क्या होते हैं बच्चे ऑल कार्बन कंपाउंड्स ठीक है सारे के सारे कार्बन कंपाउंड्स बाल ठीक है जी जो आपको कहां से मिलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे ठीक है जो कहां से मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं अब मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे कि क्या आपको सिर्फ और सिर्फ Uh, क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपको दोनों मिलते हैं यू गेट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों मिलते हैं ऑर्गेनिक भी मिलते हैं एंड इनऑर्गेनिक भी मिलते हैं ठीक है ठीके? दोनों कंपाउंड्स आपको मिलते हैं अब यही हमारी समस्या है मोस्टली जो ऑर्गेनिक है उनको हम बायोमोलिक्यूज बोल देते हैं क्योंकि उसमें कार्बन है अब हमारी समस्या पहली समस्या हमारी यहीं से शुरू हो जाएगी ठीक है पहली समस्या हमारी यहीं से शुरू होने वाली भाई उसी का समाधान करेंगे कि कौन से ऑर्गेनिक कौन सी इनऑर्गेनिक हमारी बॉडी के अंदर है उसके लिए हम करेंगे धासू क्या करेंगे केमिकल एनालिसिस करेंगे क्या बनाएंगे तो चटनी बनेगी चटनी किसकी बनेगी टिश्यू की चटनी बनेगी तो बनाते हैं ठीक है फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद केमिकल एनालिसिस सबसे पहले हम केमिकल एनालिसिस करने वाले हैं सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे हमने एक टिश्यू ले लिया कुछ भी ले लिया तुम्हारी मर्जी तुम्हें टंगड़ी लेनी है ठीक है तुम्हें टंगड़ी लेनी है चिकन की टंगड़ी लेनी है लेग पीस लेना है या फिर तुम्हें प्लांट का एक पत्ता लेना है तुम्हारी मर्जी तुम कुछ भी ले सकते हो बट दैट हैज टू बी अ लिविंग टिश्यू ऐसा नहीं है कि मतलब चूहा मरा हुआ पड़ा पड़ाया तुम बोलो मैम इसको लेके एक्सपेरिमेंट कर ले नहीं ठीक है अब वो मर चुका है बेचारा अब उसके अंदर तो वो सारे काफ़ी चीज़ें उसकी निकल चुकी होंगी डीग्रेड हो चुका होगा तो आप उस पर नहीं एनालिसिस करते तो आपको फ्रेशली एक चीज़ लेनी पड़ेगी जैसे मैं क्या बोलूँगी मैं बोल रही हूं कि <coughs> हम बात करेंगे कि भाई मैंने ले लिया एक प्लांट का पत्ता ले लिया ठीक है लेट्स से हमने एक लिविंग टिश्यू लिया लिविंग टिश्यू में आप कुछ भी ले सकते हैं बच्चे आपकी मर्जी है प्लांट ले सकते हैं एनिमल ले सकते हैं माइक्रोब्स ले सकते हैं मैंने पत्ता ले लिया ठीक है चलो ताकि किसी को भी बुरा ना लगे क्योंकि कुछ बच्चे वेजिटेरियन होंगे एकदम प्योर वाले हाँ जी यस आ जाओ अब इसमें क्या ऐड करेंगे अब इसमें हम ऐड करेंगे ट्राई क्लोरो क्या ऐड करेंगे ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड ऐड करेंगे रे बाल को ठीक है ये ऐड कर दिया ये ऐड कर दिया इसमें हम अब चटनी बनाने वाले हैं टिश्यू को हम ऐसे ऐसे करके उसको पीस लेंगे लिटरली वी आर मेकिंग चटनी लिटरली वी आर मेकिंग चटनी लेकिन इसमें चटनी नहीं बोलते हम इसको क्या बोलते हैं स्लरी बोलते हैं हम इसको क्या बोलते हैं थिक स्लरी बनाई है हमने चटनी नहीं बनाई है वी हैव फैंसियर नेम फॉर चटनी एंड दैट इज थिक स्लरी ठीक है जी लिख दें यस yes, मैम लिख दो थिक स्लरी हमने बना दी अब बच्चे चटनी बनाई है तो चटनी में थोड़ा थोड़ा पानी भी देखा होगा तुमने कोकोनट की चटनी बनाते हो तो थोड़ा थोड़ा पानी भी रहता है हमने सोचा छान लेते हैं हमने क्या सोचा कि इसको छान लेते हैं फिल्टर कर लेते हैं ठीक है हमने सोचा इसको फिल्टर कर लेंगे फिल्टर कर लिया अब फिल्टर करोगे तो आपके पास कुछ चीजें ऊपर रह जाएंगी और कुछ चीजें नीचे चली जाएंगी जब तुम चाय छानते हो तो पत्ती ऊपर रह जाती है ठीक है और जो चाय है वो नीचे आ जाती है जो चीज ऊपर रह जाती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे जो चीज ऊपर रह जाती है उसको हम बोलते हैं रिटेंटेड ठीक है उसको क्या बोला जाता है रिटेंटेड ठीक है जी चलो ओके <coughs> okay जी रिटेंटेड ये देखो मुझे एनी वे आई विल इग्नोर आई विल इग्नोर दीज टाइप ऑफ चैट्स एंड जस्ट फोकस ऑन ऑल द बच्चा जो यहाँ पे सच में पढ़ने आए हैं तो आज ना मैं प्रण करके आई हूँ कि जो भी स्पैमिंग करेगा जो भी इधर उधर की फालतू की बातें करेगा मतलब जो मुझे समझाने की कोशिश करेंगे कि मैम आपको ये करना चाहिए ऐसे पढ़ा दो ये कर दो आई मीन आई हैव बिन टीचिंग फॉर द लास्ट सेवन एट ईयर्स नाउ आई नो हाउ यू कैन क्रैक नीट आई नो एक टॉपिक को कितना टाइम चाहिए आई नो देर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी भी बायोमोलिक्यूल्स ता पता लापता है तो प्लीज डू नॉट ट्राई टू मेक मी टीच हाउ टू टीच बस इसके बाद कोई चीज को मैं एड्रेस नहीं करने वाली हूं यस yes. चलिए जी शुरू करते हैं अब हम छन्नी लाएंगे तो आपके पास एक चीज ऊपर रह जाएगी एक नीचे आ जाएगी तो जो ऊपर रह जाता है बच्चे उसको हम क्या बोलेंगे रिटर्न टेट रिटर्न टेड ठीक है ऊपर रह गया जो नीचे आ जाएगा ठीक है जो नीचे आ जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं फिल्टरेट दैट इज नोन एज फिल्टरेट तो जो नीचे रह गया वो है फिल्टरेट वो क्या है बच्चे फिल्टरेट ओके चलो यस यस बिल्कुल सही बात सही बात सही बात ठीक है तो बच्चे जो ऊपर रह गया वो हमने क्या बोल दिया हमने उसको बोल दिया रिटेंटेड रिटेंटेड क्या होगा एसिड इनसॉल्युबल रहा होगा तभी ये नीचे नहीं गया जो चीज इस एसिड में ये एसिड यूज करा था ना जो चीज इस एसिड में घुल गई वो तो नीचे आ जाएगी ना बच्चे है ना जो घुल गई वो नीचे आ जाएगी जो नहीं घिलेगी वो ऊपर आ जाएगी तो मैं इसको और क्या बोल सकती हूँ और क्या बोल सकती आई विल कॉल दिस एसिड इन सॉल्यूबल क्वेश्चन ना बच्चे आपके इसी पे पूछे जाते हैं कि रिटेंटेड के अंदर क्या आएगा फिल्ट्रेट के अंदर क्या आएगा वो मैं अगले पेज पे बताने वाली हूँ ठीक है और फिल्ट्रेट को मैं क्या बोल दूंगी एसिड सोल्यूबल क्योंकि ये नीचे आ चुका है एसिड सोल्यूबल द यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हाँ जी ठीक है अब अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इन दोनों में से कहां पे कौन सी चीज आ रही है कहां पे इनऑर्गेनिक आ रहा है कहां पे ऑर्गेनिक आ रहा है ऑर्गेनिक में भी कौन से मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं दैट इज योर क्वेश्चन लेट्स टेक अनदर पेज एंड वी विल राइट अबाउट फिल्टरेट एंड वी विल राइट अबाउट रिटेंटेड ठीक है और ये बढ़िया सा माइंड में आप दे रही हूँ बिल्कुल ना एक मिनट में तुम्हारा रिविजन होने वाला है चलिए जी फिल्टरेट की बात करते हैं फिल्ट्रेट आ गया फिल्ट्रेट में बच्चे आपके दोनों चीजें आएंगे याद रखना ऑर्गेनिक भी आएगा इन ऑर्गेनिक भी आएगा रे बच्चों। हाँ जी चलो आ जाओ यस चलो 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 इन ऑर्गेनिक भी आएगा और ऑर्गेनिक भी आएगा और ये जो यहां आके मेरे स्टूडेंट्स को कुछ कुछ बोल रहे हैं ना मेरे बारे में बोलोगे बर्दाश्त कर लूंगी लेकिन अगर मेरे स्टूडेंट्स के बारे में बोला ना बच्चे ठीक है तो देखना ये मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती बिल्कुल भी नहीं ओके <coughs> okay, चलो आ जाओ इनऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक राइट दोनों होते हैं फिल्ट्रेट में लेकिन इनऑर्गेनिक कौन से होंगे पानी होगा रे पानी होगा रे बाबा पानी होगा रे बाबा आइन्स होंगे ठीक है आयन्स होंगे अलग अलग तरह के आयन्स होंगे कैल्शियम आयन हो सकता है पोटेशियम हो सकता है मैग्नीशियम हो सकता है एंड ऑल्सो गैसेस और क्या होगा गैसेस होंगी लेकिन ऑर्गेनिक में ठीक है लेकिन ऑर्गेनिक में क्या होंगे बच्चे यस ऑर्गेनिक में क्या होंगे ऑर्गेनिक में आपके बायो मॉलिक्यूल्स होंगे क्या होंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे रे बाबा ठीक है यस यस और जिस 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 छुपे रोस्तम ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं कराया वो बड़ा से लाइक कर दो हां फटाफट से लाइक कर दो सेशन को चलो अब बायो माइक्रो मॉलिक्यूल का कितना वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है दे आर दे आर बिटवीन 18 टू बच्चे 800 हंड्रेड डाल्टन ठीक है डी ए क्या है डी ए इज द डाल्टन डाल्टन क्या है इनको वे करने का यूनिट है जैसे तुम बाजार गए बाजार से आलू लेकर आए किलो में ले आए ठीक है कितने किलो लाए मम्मी ने पूछा तुम दो किलो लाए तीन किलो लाए वैसे ही इसका जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं डाल्टन डी ए मीन्स डाल्टन यहाँ पे आपकी सारी मोनोमेरिक फॉर्म्स आती हैं मोनोमेरिक फॉर्म्स अब मोनोमेरिक क्या होता है ठीक है हम में से कुछ बच्चों को शायद ना पता हो मोनोमेरिक क्या होगा बच्चे मोनोमेरिक होता है एक एक आपका यूनिट जो मिल मिल के मिल मिल के मिल मिल के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना गया जैसे कि अगर मैं अमीनो एसिड की बात करूं तो अमीनो एसिड मिल मिल के मिल मिल के क्या बनाते हैं प्रोटीन बनाते हैं तो अमीनो एसिड इज अ मोनोमर ऑफ प्रोटीन ठीक है जैसे न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है न्यूक्लियोटाइड से बनता है तो न्यूक्लियोटाइड इज अ मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड ठीक है तो मोनोमेरिक फॉर्म यहां आ जाएंगे क्यों क्योंकि वो छोटी होंगी छोटी छोटी होंगी तो क्या होंगी लिखो यहां पे वी विल राइट We will write monosaccharides, okay? monosaccharides. एक, एक चीनी. ठीक है न्यूक्लियोटाइड्स देखो मैंने तुम्हें जो बोला वही लिख रही हूं यहाँ पे है ना अमीनो एसिड वेरी गुड बच्चो वेरी गुड अमीनो एसिड साथ साथ में बोलते जाओ मेरे साथ साथ बोलते जाओ येस वेरी गुड लवली लवली बच्चो लवली सो प्राउड ऑफ यू सो प्राउड ऑफ यू वेरी गुड आई एम लविंग द एनर्जी इन द चैट बॉक्स येस यस ओके okay, अब ये हो गया अब रिटर्न टेट की बात करते हैं नाउ विल टॉक अबाउट ठीक है राइट we'll right. अब आपको बच्चे सारे के सारे नोट्स नोट क्वेश्चन सब कुछ आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम पे डॉक्टर गार्गी सिंह ठीक है डॉक्टर गार्गी सिंह पे आपको सारा कुछ सारा मटेरियल स्टडी मटेरियल यू वॉन्ट्स यू नो सारे मेरे लिंक ट्री का भी मैं लिंक वहीं पे पहुंचा दूंगी जिसमें आपको सारे चैप्टर्स चैप्टर सिर्फ इस चैप्टर के नहीं सारे चैप्टर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए एंड <coughs> यस वेरी गुड वेरी गुड चलो जी मैं बस दो मिनट और है मैं बैठ जाऊंगी <laughs> क्योंकि मेरे आपको पता है इट विल टेक सम टाइम ठीक है पाँच छः दिन और मुझे लगता है लगेंगे लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकती ना कि क्लास ना लूँ है ना क्लास में लेने वाली हूँ क्लास अपनी चलती रहेंगी इसमें होंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स कौन से आ जाएंगे भाई यहाँ पे आ जाएंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या आ जाएंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे बच्चे ठीक है यहाँ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इनका मोलिकुलर रेट कितना होता है? कितना है? कितना है? है दस हजार तक पहुंच जाता है ठीक है दस हजार तक नाउ यहाँ पे क्या पॉलीमेरिक फॉर्म आ जाएंगी क्योंकि ये बड़ा है पॉलीमेरिक फॉर्म्स आ जाएंगी कौन कौन सी आएंगी देखो

जाएंगे ठीक है अब किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन आई एम वेरी सॉरी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि filtrate में में क्या-क्या क्या-क्या होता होता है में क्या -क्या होता है लेकिन बच्चे रिटेंटेट में एक चीज छुप के बैठी हुई है क्या है वो वॉट इज दैट वन चीज विच इज माइक्रो मॉलिक्यूल लेकिन छुप के यहां बैठी हुई है क्या है वो वॉट इज दैट दैट इज लिपिड्स ठीक है यहाँ पे आपके लिपिड्स भी हैं। लिपिड का वेट क्या है लिपिड का वेट ना कुछ ज्यादा नहीं होता ठीक है दिस इज नॉट अ पॉलीमर दिस इज नॉट इवन पॉलीमर नॉट पॉलीमर एंड दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल भी नहीं है कितना है वेट इसका खास नहीं है कुछ 800 तक है इसका वेट क्या है ये क्या इसको होना चाहिए यहाँ पे नहीं होना चाहिए फिर ये यहाँ क्या कर रहा है वॉट इज दिस डूइंग लिपिड पता है क्या करता है बच्चे लिपिट ना लिपिड की आपस में बड़ी दोस्ती होती है लिपिड के मॉलिक्यूल्स ना ऐसे ऐसे करके वेसिकल्स बना लेते हैं और उनका साइज हो जाता है बड़ा क्या करते हैं ये वेसिकल्स बना लेते हैं और उनका साइज हो जाता है बड़ा एंड सिंस इट इज ऑल्सो नॉट सोल्यूबल इन वाटर ठीक है पानी में सॉल्यूबल नहीं है अरे पानी में सॉल्यूबल नहीं है तो डर के मारे ना आपस में ही ऐसे 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 करके मिल जाएंगे और मिल जाएंगे तो बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा या नहीं बनेगा रे बाबा क्या ये फिल्टर करा जा सकता है बाबा नहीं करा जा सकता दैट इज वाई दिस इज फाउंड इन द रिटेंटेट बट दिस शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ मैक्रो मैक्रोमोलिक्यूल क्या ये बात समझ में आई ठीक है वेरी गुड तो वेसिकल्स बना लेंगे फॉर्म <coughs> वेसिकल्स

यस yes, नंदनी बिल्कुल अदिति वेरी गुड वेरी गुड कभी नहीं भूलेगा बिल्कुल कभी नहीं भूलेगा आ जाओ, आ जाओ। बच्चे, thing, मैं जो भी चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ ना आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि जैसे कल मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करवाने वाली हूँ मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का दुख है वो बहुत सारे बच्चों का दुख है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैं वो कल कराने वाली हूँ तो आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू रीड एनसीआरटी बिफोर कमिंग टू द सेशन एक बार एनसीआरटी पढ़ के आना फिर पता है उसका एक अलग ही मजा आता है अलग ही मजा आता है मतलब इतना मक्खन Uh, आपका <laughs> कभी नहीं बोलूंगा अच्छा यस yes. इतना मक्खन आपको समझ में आ गया ना फिर बच्चे दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू वट एवर लेक्चर आई एम गोइंग टू टेक टुमारो आई विल बी टेकिंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लीज बच्चे प्लीज़ ठीक है प्रॉमिस मी दैट यू विल बी रीडिंग द एनसीआर टी एंड देन यू विल बी कमिंग टू माई सेशन जिसमें मैं आपको बहुत अच्छी तरह से और भी ज़्यादा आपको समझ में आने वाला है कैन यू डू दैट फॉर मी ठीक है चलो मैम आपसे वोट नहीं पड़ी मैंने अभी तक नहीं बोली थैंक यू सो मच सताक्षी थैंक यू बच्चे थैंक यू बच्चे आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज सो प्राउड ऑफ यू गाइज एंड यू गाइज आर गोइंग टू रॉक जिस तरह से तुम डेडिकेशन दिखाते हो जो बच्चा मेरे क्लास में आता है रेगुलरली यहाँ पे भी रेगुलरली आता है आई कैन एश्योर यू नो बडी कैन स्टॉप यू बच्चे नो बडी इवन द ओनली पर्सन दैट कैन स्टॉप यू इज यू सो अपने आप पे बिल्कुल डाउट नहीं करना एक सेकंड के लिए भी नहीं करना बच्चे एक सेकंड के लिए भी नहीं करना उससे थोड़ी गड़बड़ हो सकती है अदरवाइज यू आर डूइंग ग्रेट यस गोइंग ग्रेट यस आ जाओ चलो भाई एनालिसिस इट इज एनालिसिस एलिमेंटल भाई, तो भाई ये इतना मोटा क्यों हो गया पेन मेरा अच्छा ओके एलिमेंटल एनालिसिस ओके इसमें हम क्या पता करेंगे इसमें बच्चे हम पता करते हैं कि मेरे बॉडी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ठीक है ठीके? मेरे पास क्या क्या चीजें हैं इनऑर्गेनिक चीजें क्या क्या है मेरे पास अब हम क्या करेंगे बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं क्या लेंगे कुछ भी ले सकते हो तुम वही टंगड़ी ले सकते हो मैं पत्ता लूंगी ठीक है आई विल टेक पत्ता आई विल टेक वन लिविंग टिश्यू इट कैन बी एनी थिंग द लिविंग टिश्यू कैन बी एनी थिंग लिविंग टिश्यू मैंने ले लिया इस लिविंग टिश्यू को मैं क्या करने वाली हूं पहले सुखाऊंगी ठीक है पहले मैं ड्राई करूंगी अब ड्राई क्यों करते हैं हम फ्रेश क्यों नहीं ले सकते इसको फटाफट से बताओ फ्रेश वेट क्यों नहीं ले सकते आप बताइए बच्चे यस यू कैन वॉच द लेक्चर इफ यू आर इन इलेवेंथ क्लास बच्चे बिल्कुल आप मेरा लेक्चर देख सकते हो हाँ जी चलो क्यों हम फ्रेश वेट नहीं लेते बच्चे एक बात बताओ मुझे जो पानी है वो सब में है पानी सबके पास एक कॉमन फैक्टर है क्या मैं किसी चीज का कंपैरिजन कॉमन फैक्टर के ऊपर करती हूँ क्या मैं किसी चीज का कंपैरिजन कॉमन फैक्टर के ऊपर करती हूँ मतलब अगर तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पेपर हो रहा है और उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबके नंबर सेम आ रहे हैं तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंसिडर करूंगी आई विल नॉट कंसिडर दैट आई विल ओनली कंसिडर दैट पार्ट जो अलग है तो पानी को निकाल दो यार पानी को निकाल दो पानी को निकाल दिया ड्राई कर लिया अब क्या करेंगे जला दो जला दो ठीक है अब कर दो जला दो बर्न कर दो बर्न कर दिया बर्न जब आपने करा तो सीओ निकल जाता है आपको पता है जब कोई भी चीज हम जलाते हैं तो उसमें से सीओ टू निकल जाएगा सीओ टू निकला एंड बच्चे ऑल्सो वॉटर वेपर भी निकल जाएगा तो ये क्या है तुम्हारा ये तुम्हारा सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर ठीक है ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऐसे ही निकल गए तुमने कोई चीज जलाई तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऐसे ही निकल गए और बाद में क्या बची एश ठीक है घूमने फिरने वाली ऐश नहीं बाद में क्या बची राख बची अब ये जो राख बची है दिस इज योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें आपके इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं दिस कंटेन्स इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स इसमें क्या आ जाएंगे बच्चे आपके इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आ जाएंगे डैट यस yes. अब इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में क्या क्या होता है इसके लिए हमें एनसीईआरटी के पीछे भागना पड़ेगा क्योंकि की एनसीआरटी में दिया हुआ है ये वाला आपका टेबल दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट और इस टेबल में आप क्या क्या चीजें याद रखोगे वो मैं आपको हाईलाइट करवाने वाली हूं ये रहा देखो तो आपके बॉडी में पहले तो ये रहा आपके बॉडी में लिविंग टिश्यू में कौन कौन से आपको यू नो आइंस मिल जाएंगे कौन कौन से आपको एलिमेंट्स मिलेंगे वो भी देखेंगे पहले ये देख लो आ जाओ क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है यू हैव सोडियम यू हैव पोटेशियम यू हैव कैल्शियम मैग्नीशियम वाटर एंड अदर बच्चे अदर कंपाउंड कौन से हैं प्लीज ये याद रख लेना ये भी याद रखना है दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर लिविंग टिश्यू ठीक है यू हैव सोडियम यू हैव पोटेशियम यू हैव कैल्शियम यू हैव मैग्नीशियम आयंस आये सारे आपके पास पानी तुम्हें पता है हर एक की बॉडी में भर भर के भरा हुआ है ठीक है यस एंड बाकी के कंपाउंड भी हैं आपके पास नमक है कैल्शियम कार्बोनेट है फॉस्फेट्स हैं एंड सल्फेट्स हैं नाउ कमिंग टू दिस टेबल वेरी इंपॉर्टेंट इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है समझो आप हाइड्रोजन ठीक है हाइड्रोजन ओके अर्थ के क्रस्ट में इतना है ह्यूमन बॉडी में इतना है चलो ठीक है मुझे कोई बहुत ही अलग सी चीज इसमें नहीं दिख रही है कार्बन की बात मैं करूं तो कार्बन आपके ह्यूमन सॉरी क्रस्ट में इतना है एंड ह्यूमन बॉडी में इतना है ठीक है ऑक्सीजन की बच्चे अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्यों क्योंकि ऑक्सीजन उभर के आ रहा है एक थोड़ा सा अलग तरह का तुम्हारा मॉलिक्यूल के जैसे क्यों बच्चे क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा आपका ऐसा कौन सा आपका एलिमेंट है जो दोनों में अर्थक्रष्ट और तुम्हारी बॉडी में भी भर भर के है कौन सा है यस yes, कौन सा है ऑक्सीजन है सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस ये क्वेश्चन आ चुका है दिस इज पी वाई क्यू आपको ये पूछा जा चुका है पूछा जा चुका है ठीक है ऑक्सीजन है तो अगर दूसरे नंबर पे देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी थोड़ा सा अलग ही उभर के निकल रहा है बच्चे वाई बिकॉज इफ यू कैन सी दैट नाइट्रोजन इज वेरी लिटल इन अर्थ क्रस्ट और तुम्हारी बॉडी में तो फिर भी है तो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो तुम्हारी बॉडी में तो फिर भी है लेकिन अर्थक्रस्ट में इट इज वेरी लिटिल तो दिस इज इंपॉर्टेंट इसको हाईलाइट कर लेने का है ठीक है यस yes. हाँ जी हाईलाइट करने का अगर आपको सारे नहीं याद होते वैसे तो सारे याद होने चाहिए लेकिन अगर किसी बच्चे को डिफिकल्टी होती है ना जो मैं बता रही हूँ बच्चे वो तो ज़रूर पक्का याद रखने हैं अब आ जाओ सल्फर पे ओके okay. सल्फर आपका अर्थ क्रस्ट में इतना है और आपकी बॉडी में 0.3 है सोडियम ओके ठीक है इतना है कैल्शियम 3.6 इन अर्थ क्रस्ट 1.5 इन योर बॉडी देर इज़ नॉट अ वेरी ह्यूज डिफरेंस मैग्नीशियम की भी बात करूँ तो ओके okay, ठीक है लेकिन बच्चे सिलिकॉन पे जब हम पहुंचे वेन वी रीच टू सिलिकॉन कैन यू सी इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो आपकी बॉडी में तो नेग्लिजिबल है लेकिन अर्थ क्रस्ट में काफी सारा है भर भर के है ठीक है वो कौन सा है दैट इज दैट इज

केमिकल पूछ लिया तो आप बोलोगे वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल मोस्ट अबंडेंट केमिकल सबसे ज्यादा आपके शरीर में कौन सा केमिकल है पानी है ठीक है पानी है और प्रोटीन कितने हैं दस से पंद्रह परसेंट देखो पानी के बाद आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा चीज कौन सी होगी प्रोटीन ही होंगे प्रोटीन के बिना तो तुम्हारी बॉडी कैसे बनेगी हर एक चीज में प्रोटीन है ठीक है ये यूर मसल्स एंड देन कार्बोहाइड्रेट तीन है बच्चे लिपिड्स दो हैं न्यूक्लिक एसिड पांच से सात होते हैं है, क्योंकि आपको हमें क्या ये चैप्टर आज ही खत्म होगा ये चैप्टर आज ही खत्म होगा ठीक है चलो अब बच्चे मैं क्या कर रही हूं कि आई एम गोइंग टू सिट नाउ बिकॉज मेरा मेरी थोड़ी सी दिक्कत है ठीक है तो मैं अब बैठ रही हूँ और बैठ के ही क्वालिटी नहीं आपकी कॉम्प्रोमाइज होगी मैं ही पढ़ा रही हूं आपको ठीक है तो चलो अब मैं बैठ रही हूं प्लीज एडजस्ट विद मी बिकॉज अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू टीच राइट ओके चलिए जी <laughs> ओके जी तुम्हें पता है मेरी फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे बोल दिया है कि उसने तो मुझे बोला कि अभी कंप्लीटली ना कुछ नहीं करना है और स्पेशली शी हैज़ आस्क्ड मी टू नॉट यूज़ दिस हैंड बिकॉज़ मेरे ये हैंड में ना यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ज़्यादा पेन uh, जा रहा है लेकिन क्या करें कैसे आई मीन दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना या तो मैं कुछ दिन ऑफ कर दूँ वो पॉसिबल नहीं है है ना वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है तो क्या करना है बच्चे इसी में एडजस्ट करना पड़ रहा है मुझे एंड आई एम होपिंग यू चलिए ठीक है ये हो गया हमारा सारा एनालिसिस मूव ऑन टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स अब हम डिस्कस करना शुरू कर देते हैं जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे हे थैंक यू अक्सर थैंक यू सो मच ठीक है चलो हाँ तो मैं भी शायद बच्चे अगले कुछ दिनों तक ना मैं बैठ के ही पढ़ा पाऊंगी तुम्हें आई वोंट बी एबल टू स्टैंड इतनी देर तक मुझसे नहीं हो पाता ठीक है चलो शुरू करते हैं अमीनो एसिड अमीनो एसिड ओके okay? चलिएगा जी अमीनो एसिड

अच्छा अब यहाँ पे ना कुछ बातें तुम्हें देखनी है ये जो अपना कार्बन है ये है एल्फा कार्बन इसको क्या बोला जाता है एल्फा कार्बन बोला जाता है दिस इज एल्फा कार्बन ये तो तुम्हें केमिस्ट्री तो मेरे से अच्छी आती होगी आई एम वेरी वेरी श्योर आई एम प्रिटी श्योर दैट यू नो केमिस्ट्री बेटर देन मी ठीक है यस yes. ओके okay. बच्चे सारे चैप्टर्स में कराऊंगी एनिमल किंगडम हो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल टिश्यू हो या फिर कॉकरोच हो एवरीथिंग आज सुबह के सेशन में भी एक बच्ची मुझसे पूछती थी मैम आप कॉकरोच करवाओगे मैंने बोला हाँ भाई एक भरोसा भी रखो ओके okay. अभी तक आज तक ऐसा कुछ हुआ है जो मैंने बोला हो और डिलीवर ना करा हो यू डोंक्स योर सेल्फ एंड ट्रस्ट मी एंड बस आप अपने आप पर भरोसा रखे चलते रहिए है ना चलो ये है अल्फा कार्बन ये जो तुम्हारा अल्फा कार्बन है ना ये जो आपका एल्फा कार्बन है्बन भी बोल सकती हूँ क्यू मैम क्यों बोलोगे आप क्योंकि देखो जरा यहां अलग यहां अलग यहां अलग यहां अलग चारों के चारों ग्रुप अलग हो गए रे ठीक है चारों के चारों अलग हो गए है ना यस चलो आ जाओ अब चारों अलग हो गए तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कायरल दिस इज कायरल कार्बन ठीक है और तो शो करेगा करेगा या नहीं करेगा रे ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो करेगा ये एक आपका अमीनो एसिड ऐसा होगा जो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करेगा उसकी बात मैं अभी करने वाली हूं अब जरा इस पे गौर फरमा yes, जो ये, है न, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यह सबके लिए अलग है ये सबके लिए अलग होता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है ये आर ग्रुप वेरिएबल होता है दिस आर ग्रुप इज वेरिएबल इन ऑल द अमीनो एसिड इसी की वजह से अलग अलग तरह के अमीनो एसिड मिलते हैं हमें है ना यस yes, यस yes, हांजी यस 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 नाउ यही है जो डिसाइड करता है एक अमीनो एसिड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दिस इज द वन दैट डिसाइड्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड बच्चे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो डिसाइड करता है ठीक ठीक है है एंड अमीनो क्या होते हैं दे दे आर आर मीथेन 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 हमने तो अलग कर दिया ये मीथेन ही तो था जहां पे मैंने यहां पे सीओ एच ग्रुप लगा दिया यहां पे आर लगा दिया यहां पे एन टू लगा दिया ये क्या था मीथेन ही रहा होगा किसी जिंदगी में किसी जमाने में है ना यस yes. अब मैं बात करती हूँ कायरल ऑप्टिविटी ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कर रही थी ना एक आपका अविनो एसिड ऐसा है बच्चे एक आपका अविनो एसिड ऐसा है जो जो कायरल नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करेगा वो क्या है ग्लाइसिन ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर मैं अभी आपको दिखाऊंगी ग्लाइसीन डज नॉट शो शो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों इसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे अभी आपको तो आप बोलोगे हाँ जी मैम बिल्कुल सही बोल रहे हो आप क्योंकि बच्चे यहां पे ना इसका जो R ग्रुप है ना दैट इज H ओनली दिखाती हूं मैं अभी आपको रुको 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 दी स्ट्रक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी किताब में दिए ना ये रैसीन ठीक है एच आ गया तो मैं इसको बोलूंगी ये आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा नहीं करेगा ठीक है नहीं करेगा ठीक है बिल्कुल भी नहीं करेगा एंड दिस इज ग्लाइसिन सबसे बोलते हैं सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन क्यों बच्चे आर इसका एच ही है इसलिए इसलिए सबसे सिंपल है, ओके, okay? एनीवे anyway, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्स की तो alanine, एक और आपका होता है और एक सीरीन भी है एक क्या है दीज स्ट्रक्चर आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट सारे के सारे स्ट्रक्चर जो किताब में दिए ना बहुत जरूरी है दिस इज इंपॉर्टेंट दिस इज इंपॉर्टेंट दिस इज इंपॉर्टेंट यू हैव टू मेमोराइज एवरी थिंग ठीक है थैंक यू करीना थैंक यू सो मच वो आर ग्रुप नहीं होगा बच्चे आर ग्रुप सीओ एच नहीं होगा आर ग्रुप आपका सीओ एच थोड़ा ना होगा वो नहीं हो सकता इट के नॉट बी दैट इट के नॉट बी दैट ठीक है चलो आ जाओ ये हो गया ओके okay. बड़े आगे <coughs> समझे 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 हाँ चलिए चलो 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 ओके okay, आ जाओ आ जाओ चलिए यस yes. आ जाओ आगे बढ़ते हैं आ जाओ ये हो गया ये हो गया ये हो गया सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर अच्छा एक तुम्हारा ग्लूटामिक एसिड जरूर हो सकता है जिसमें आपको दो मिल सकते हैं ग्लूटामिक एसिड में आपको दो मिल सकते हैं बच्चे अदरवाइज एक ही होता है ठीक है नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस बट ग्लूटामिक एसिड में आपको दो मिल सकते हैं है, अदरवाइज है, एक ही होता है आपके सिलेबस में नहीं है ये तो डरने की बात नहीं है आपको डरने की जरूरत नहीं है यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन वट एवर इज गिवन इन योर अच्छा अब बच्चे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड की न्यूट्रल कौन सा है एसिडिक कौन सा है बेसिक कौन सा है एरोमेटिक कौन सा है एनसीआरटी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड में लेक्चर रखना चाहती हूं <coughs> क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं ना तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है ठीक है बच्चे चल आ जाओ सारा ही करवानी है एनसीईआरटी इज इनफ फॉर बायो इनफ फॉर बायो तीन चार साल का पेपर का एनालिसिस करके देखो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है बच्चे चलो आ जाओ टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड ठीक है आ जाओ लिख लें न्यूट्रल न्यूट्रल अमीनो एसिड ठीक है जी चलिए न्यूट्रल अमीनो एसिड में आपका आ जाएगा जो मेरा ट्रिक है इसको याद रखने का दैट इज गवली ठीक है दैट इज गवली ठीक है जी अब गवली क्या है वॉट इज गवली गवली का जी जो है दैट स्टैंड फॉर ग्लाइसिन ए स्टैंड फॉर एलानीन एलानीन एंड वी स्टैंड फॉर वेलाइन वेलाइन वी स्टैंड फॉर वेलाइन योर एल स्टैंड फॉर ल्यूसिन ल्यूसिन बच्चे ये क्या है ल्यूसिन है एंड आई स्टैंड फॉर आइसो ल्यूसिन ठीक है ये हो गया तुम्हारा न्यूट्रल वाला अमीनो एसिड द ट्रिक टू रिमेंबर इज गवली नेक्स्ट नेक्स्ट क्या एसिडिक भाई, फटाफट से बताओ कितने बच्चों को याद है? कितने बच्चों को को याद याद है? है? Yes. है कितने कितने ना, एसिड जिसका नाम ही एसिड एसिड करके है वो तो होगा ही ना ग्लूटामिक एसिड एस्पार्टिक एसिड डन ठीक है अब आ जाओ तुम बेसिक पे वॉट आर बेसिक बेसिक वाले कौन से हैं बच्चे बेसिक वाले बड़े इंपॉर्टेंट है ये हमने मोलिकुलर बेसिस पे भी पढ़े थे बेसिक वाले कहाँ थे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी आते हैं हिस्टोन प्रोटीन बनाते हैं आर्जिनिन आर्जिनिन एंड एंड लाइसिन लाइसिन है ना यही है ना ये दोनों क्या बनाते हैं हिस्टोन प्रोटीन से बनाते हैं दीज आर पार्ट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन आल्सो तो वी हैव टू रिमेंबर दिस आल्सो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल चलो वेरी गुड वेरी गुड नाउ नेक्स्ट बेसिक के बाद एरोमेटिक लिख लेते हैं यहां नीचे लिख देती हूं एरोमेटिक आ जाओ एरोमेटिक अमीनो एसिड इसमें कौन से आ जाएंगे रिबाल को ठीक है yes. यस कौन से आ जाएंगे वन विचवॉन वन बातें कम काम ज्यादा यस yes. बातें कम काम ज्यादा गार्गी ब्रो के लेक्चर में बातें कम काम ज्यादा देखो अपना ना इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे काम काम करेंगे ट्रिप्टोफेन टायरोन टायरोन एंड फिनाइल एलानिन जिसके एक्यूमुलेशन से हो जाता है फिनाइल की टोन यूरिया ठीक है फिनाइल एलानिन जिसके एक्यूबुलेशन से बच्चे क्या हो जाता है फिनाइल कीटोन यूरिया क्योंकि आपकी बॉडी में एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होता उसका मेटाबॉलिज्म करने के लिए ठीक है यस yes, मैम ये सब एक लिविंग टिश्यू में होता है बिल्कुल बच्चे ये सब एक लिविंग टिश्यू में होता है अगर कोई अगर कोई मरा हुआ है ना तो उसके अंदर ये सब मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा चीज़ें बनेंगी नहीं ठीक है अगर कोई चीज़ मरी हुई है कोई मरा हुआ चूहा तुम्हें बाहर दिख जाए तो तुम ये नहीं सोचोगे कि उसके अंदर ये सब चीज़ें हैं बिकॉज उसकी ये सारी चीज़ें डीग्रेड होनी शुरू हो चुकी हैं ठीक है थीके? क्योंकि बाहर क्या है बैक्टीरिया है फंगस है दे आर कॉन्स्टेंटली एक्टिंग और दैट चूहा उसको कर रहे हैं उसके पास ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी ओके okay, चलो बच्चे मैं अब यहाँ पे ना आपको सिर्फ वही चीजें करा रही हूँ जो एनसीईआरटी में दी हुई है इधर उधर की बातें मैं नहीं कर रही हूँ ठीक है ये देखो ये रहा ये वाला पार्ट जो हमने अभी खत्म करा अमीनो एसिड्स ठीक है न्यूट्रल वाले कौन से है एंड विच विक एंडसिक नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट जहां पे हम ज्विटर आइन की बात कर रहे हैं देखो कोई भी अमीनो एसिड एनी अमीनो एसिड इसको यहीं से समझिए एन सी आर टी से ही समझिए कोई भी अमीनो एसिड ना एट अ पर्टिकुलर पी एच सबके लिए वो पी एच अलग होगा ये नहीं सोचना कि न्यूट्रल पी एच में हर कोई ऐसे बिहेव करेगा कि वो एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है या फिर योर uh, बेस uh, की तरह भी बिहेव कर रहा है नहीं एक पर्टिकुलर पीएच पे एक अमीनो एसिड एक अमीनो एसिड ठीक है उसके ऊपर जो उसका चार्ज है वो जीरो हो सकता है कैसे ये देखो इसके पास नेगेटिव चार्ज भी दिख रहा है पॉजिटिव भी दिख रहा है तो टोटल नेट चार्ज विल बी जीरो क्या होगा जीरो हो जाएगा यस बच्चे हाँ जी नेट चार्ज जीरो हो जाएगा इसको हम क्या बोलते हैं इस पीएच को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ठीक है ये तो तुम्हें पता होगा तुम तो बड़े होशियार हो केमिस्ट्री में मेरे से आगे हो दो कदम आगे हो मुझसे केमिस्ट्री में तो मैं यहां लिख देती हूँ पी एच एट विच द नेट चार्ज बिकम जीरो इज नोन एज पॉइंट या फिर यही लिख देते हैं चलो है ना समय भी तो बचाना है तुम्हारा योर टाइम इज वेरी वेरी प्रेशियस सो दिस पी एच दिस पीएच द नेट चार्ज इज जीरो जीरो और इस पीएच को हम बोलेंगे आईसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आई सो इलेक्ट्रिक पॉइंट एंड बच्चे ये हर एक में अलग होगा प्लीज ऐसा नहीं सोचना है कि न्यूट्रल पे सबका यही होगा नहीं सबके लिए पी एच अलग होता है ऑल द अमीनो एसिड विल बिहेव डिफरेंटली एट डिफरेंट पीएच सबके लिए पीएच अलग होगा अब यहां पर देखो इधर देखो इधर इट इज बिहेविंग एज वॉट बच्चे इधर बताइए ये कि किसकी तरह बिहेव कर रहा है इट इजेव बिहेविंग एज वॉट दिस इज बिहेविंग एज अ बेस नेक्स्ट न्यूरल कंट्रोल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद मैं न्यूरल कंट्रोल ही करवाने वाली हूँ यहाँ पे ये यह किसकी तरह बिहेव कर रहा है इट इज बिहेविंग एज अ बेस ठीक है यहाँ किसकी तरह बिहेव कर रहा है इट इज बिहेविंग एज बेस ये क्या हुआ ये क्या हुआ मैंने जो लिखा था वो इरेज क्यों हो गया और यहाँ पे बच्चे इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ एसिड यहाँ किसकी तरह बिहेव करेगा एसिड की तरह बिहेव करेगा इट बिहेव एज अ एसिड हियर राइट बेसिक सी केमिस्ट्री है इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए दिस वॉज अबाउट द अमीनो एसिड ये हो गया तुम्हारा अमीनो एसिड डन एंड डस्टेड अब मुझे कोई बच्चा जिसको जो प्रॉब्लम हो बता दो नाउ यू टेल मी योर प्रॉब्लम्स इफ यू हैव एनी बताइए बच्चे पीडीएफ में ग्रुप पे भेजूंगी दूंगी डू नॉट वरी पी डी एफ विल बी सेंड टू यू ऑन ग्रुप जो चीज़ें मैंने एनसीआर में मार्क करी हैं वो भी पहुंच जाएगा और जो मैं खुद बना रही हूं वो भी मिल जाएगा फटाफट से बताओ सो दैट आई मूव ऑन टू प्रोटीन ठीक है हमें आज ही ये चैप्टर खत्म करना है तो थोड़ी सी स्पीड हम बना के चलेंगे मॉर्फोलॉजी में करवा दूंगी बिल्ली की आवाज़ आ रही थी ना मेरे को भी आ रही थी मुझे भी आ रही थी पर मैं तो सेकंड फ्लोर पे हूँ बिल्ली सेकंड फ्लोर पे कैसे पहुंची आई डोंट नो ठीक है चलो अच्छा यस 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 तो जब नेट चार्ज हो जाता है बच्चे जीरो उसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन ठीक है हाँ जब नेट चार्ज हो जाता है ज़ीरो इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन वॉट इज दिस दिस ज्विटर आयन वेन द नेट चार्ज ऑन दिस अमीनो एसिड बिकम जीरो इसको हम क्या बोलते हैं ज्विटर आयन बोलते हैं बच्चे दिस इज नोन एज ज्विटर आयन इसको क्या बोला जाता है ज्विटर आयन बोला जाता है तो याद रखना एक पर्टिकुलर पीएच पर एक पर्टिकुलर पीएच पे योर अमीनो एसिड इज गोइंग टू बिहेव लाइक वो मतलब अपने प्रोटोन लूज भी करेगा और ग्रेन गेन भी करेगा हाइड्रोजन आयंस लूज भी करेगा गेन भी करेगा तो इसलिए उसके ऊपर दोनों तरह के चार्ज जा आ जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे ज्विटर आयन ठीक है चलो ओके थैंक यू सत्ता चलो आगे बढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं मेरी टेस्ट सीरीज के लिए बच्चे मैं मेरा ना कल मेरे पास लिंक आ जाएगा फॉर दिस वीक सैटरडे को Uh, पाँच बजे मेरी टेस्ट सीरीज होती है इस बार सिलेबस uh, क्या होगा तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बायो मॉलिक्यूल्स एंड प्लांट किंगडम ये तीनों चीज़ें आपके सिलेबस में होने वाली हैं ठीक है क्योंकि ये मैं चैप्टर करवा चुकी हूँ चलो जी आ जाओ अब हम मूव ऑन करते हैं विल मूव ऑन टू प्रोटीन्स अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की येस लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन्स चलो प्रोटीन्स बच्चे आसान हैं बिल्कुल आसान है कोई दिक्कत नहीं है प्रोटीन में हमें आने ही नहीं दूंगी दिक्कत तो मैं कोई चल प्रोटीन क्या है क्या प्रोटीन होमोपॉलीमर है या हेट्रोपॉलीमर है पॉलीमर तो सब है अब जो हम पढ़ेंगे अब पॉलीमर ही पढ़ने वाले हैं हम क्योंकि हमने अमीनो एसिड पढ़ा तो अमीनो एसिड से जो चीज बनेगी वो कौन सी है प्रोटीन है इसलिए मैं इसके बाद प्रोटीन पढ़ा रही हूँ कोई बच्चा ये मैं सोचना कि मैम किताब में तो लिपिड दिया है तो मैं बच्चे इस पैटर्न पे चल रही हूँ अमीनो एसिड पढ़ेंगे फिर प्रोटीन पढ़ेंगे ठीक है ओके यस नहीं आएगा एनसीआरटी से बाहर नहीं आएगा मिल गया मॉक टेस्ट का सिलेबस वेरी गुड हाँ तो प्रोटीन क्या है डिफरेंट 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 अमीनो एसिड से बनते हैं इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे हेटरो पॉलीमर क्या बोलेंगे हेटरो पॉलीमर जैसे कि बच्चे ये देखो ये एक अमीनो एसिड है ठीक है फिर दूसरा अमीनो एसिड आया फिर आपका तीसरा अमीनो एसिड आ गया किसी और रंग से बना देती हूँ ऐसे ऐसे ओके एंड देन अनदर अमीनो एसिड काम्स तो so, सारे के सारे अलग हैं तो so, ये क्या हुए ये आपके हुए हेटरो पॉलीमर दीज आर हेटरो पॉलीमर्स हैं किसके अमीनो एसिड्स के ठीक है तो ये अलग अलग अमीनो एसिड से बने कितने अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन को बनाते हैं अमीनो एसिड 200-300 तरह के हैं लेकिन सिर्फ 20 तरह के अमीनो एसिड्स आपके प्रोटीन को बना रहे हैं ठीक है ये नहीं सोचना कि अमीनो एसिड सिर्फ 20 तरह के होते हैं नहीं बहुत तरह के होते हैं आई थिंक 200-250 तरह के आपके अमीनो एसिड्स होते हैं लेकिन सिर्फ 20 तरह के हैं जो प्रोटीन्स बना रहे हैं सो मेड ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स कितनी तरह के 20 टाइप्स के आपके अमीनो एसिड्स हैं यस चल ओके नेक्स्ट मैं सारे चैप्टर ही करवा रही हूँ बच्चे क्यों परेशान होते हो तो अब अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है मोस्ट अबंडेंट अबंडेंट मोस्ट प्रोटीन कौन सा है रे बाबा बताओ बायोस्फेयर में कौन सा है एंड एनिमल्स में कौन सा है ये बताना पड़ेगा ऐसे नहीं बात बनेगी आपको बताना पड़ेगा बायोस्फेयर में कौन सा है और एनिमल्स में कौन सा है चलो बायोस्फेयर में कौन सा है बायोस्फेयर में कौन सा है फेर बायोस्फेर uh, you know, biosphere? Biosphere में इतने सारे प्लांट है तुम्हारे और प्लांट क्या काम करते हैं फोटो सिंथेसिस करते हैं फोटोसिंथेसिस किसके बिना नहीं हो सकता रूबिस्को के बिना नहीं हो सकता रुबिस्को के बिना नहीं हो सकता रूबिस्को इज योर मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फेयर और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की बात करें तो बच्चे हमारा काम नहीं चलेगा किसके बिना आपको लेजेंड के बिना हम नहीं रह सकते कोलेजन के बिना हमारा काम नहीं चल सकता और यही है जो हमें बूढ़ा भी करवा देता है यही है वो कल्प्रिट यही है यही है तो चलो तुम्हें आइडिया दे देती हूँ अभी तक तो ऐसा ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी और दो क्रीम्स में लिखा होता है कि इस क्रीम में कोलेजन है ये बनाएगी आपकी त्वचा को रिंकल रहित एस कोलेजन आपकी बॉडी में ना बाहर से एब्जॉर्ब होता ही नहीं है सो इट इज़ यूजलेस टू टेक दोज कोलेजन का पाउडर्स क्रीम यूजलेस है पर तुम्हें एक आइडिया दे देती हूँ मैं ठीक है कि अगर तुम बना पाओ एक ऐसा कुछ क्रीम जिससे कोलेजन एब्जॉर्ब हो रहा है तुम्हारी स्किन में तो भाई अमीरी 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 ठीक है और कट मैडम को मिल जाना चाहिए क्योंकि आइडिया मैडम का था वे लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग ऑन दिस इज़ नॉट माई आइडिया दिस इज समथिंग जो तुम्हें पता है कि बहुत सारे लोगों को चाहिए होगा है ना रिंकल्स किसी को नहीं चाहिए लेकिन कोलेजन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है ना तो रिंकल भी आएंगे ऑल राइट right, चलो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कैसे जुड़ता है किस बॉन्ड की हेल्प से जुड़ता है पेप्टाइड बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा बता देती हूँ हाउ इज दिस बॉन्ड फॉर्म लेट्स राइट लेट्स राइट लेट्स राइट ये था हमारा बेसिक फॉर्मूला अमीनो एसिड का यही था ना बच्चे है ना यही था अब दूसरे को ना मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ लेट से कि मैं इसको पिंक कलर से लिख देती हूँ इसी को कॉपी करेंगे हम और इसी को हम पेस्ट कर देंगे मेरे पास तो टूल्स है ना तो मैं तो ये काम कर सकती हूँ तुम अपना देख लेना भाई तुमने क्या करना है एंड आई कैन ऑल्सो चेंज द कलर ये लो अपन ने इसका कलर भी चेंज कर दिया चलिए जी कैसे बनेगा पहला आपका बॉन्ड देख लेते हैं तो यहां पे है तुम्हारे पास एच ये दो अमीनो एसिड्स हैं दोनों जुड़ेंगे पानी निकाल लो इसका वॉट विल यू डू यू विल जस्ट टेक आउट वाटर पानी निकाल लिया पानी निकला बॉन्ड बना दो ठीक है पानी निकला बॉन्ड बना दो अब मैं तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लूंगी बालक को और यहां पे मैं बॉन्ड बनाने वाली हूं तुम्हारा पेप्टाइड आई विल मेक पेप्टाइड बॉन्ड चलो यहां पे जो बॉन्ड बना ना बच्चे दिस बॉन्ड इज योर पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन दीज टू अमीनो एसिड्स द बॉन्ड दैट इज फॉर्म इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड तो ये है तुम्हारा पेप्टाइड बॉन्ड ये क्या है पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ लिखने की मेरे पास जगह नहीं है मैं यहां लिख देती हूँ पेप्टाइड बॉन्ड तो याद रखो दो अमीनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड तीन अमीनो एसिड दो पेप्टाइड बॉन्ड है ना यस यस हाँ ये तो चीटिंग है बस चीटिंग तो है देखो फिर यार फिर अब तुम बोलते हो कि मैम थोड़ा जल्दी भी होना चाहिए अब अगर हमें थोड़े से टूल्स मिले हुए हैं तो क्या मतलब वो तो यूज़ करने पड़ेंगे ना यार देखो इतनी बात तो चलती है इतना तो चलता है यार है ना ये तो चलता है आ जाओ अब हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोटीन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी टर्शरी क्वाटनरी ठीक है तो सबसे पहले करेंगे प्राइमरी रे बालको ये बड़ा मज़ेदार पार्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर बड़ा ही मज़ेदार पार्ट है मतलब प्राइमरी सेकेंडरी सारा का सारा प्राइमरी में क्या होगा प्राइमरी में ना ये आपके अमीनो एसिड ये बना दिया मैंने अमीनो एसिड तो कितने हैं यहां ये अलग अलग तरह के अमीनो एसिड आपके हैं अब बच्चे हर एक अमीनो एसिड का आपके पास एन टर्मिनल भी होगा और सी टर्मिनल भी होगा यहां से देख लो चाहे तो इधर से देख लो दिस इज टर्मिनल एंड दिस इज सी टर्मिनल तो हर एक अमीनो एसिड का चाहे वो चार सॉरी हर एक प्रोटीन का चाहे वो चार अमीनो एसिड से बना हो चाहे वो चार हजार से बना हो उसका एक एन टर्मिनल भी होगा उसका एक सी टर्मिनल भी होगा तो हमें यहाँ पे मेंशन करना है कि वेयर इज द एन टर्मिनल एंड वेयर इज द सी दिस इज द एन टर्मिनल एंड दिस इज द सी टर्मिनल बच्चे आपको ना प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है ये बताता है कि पहले नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड है दूसरे पे तीसरे पे चौथे पे ठीक है ये बताता है दिस टेल्स यू दिस गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द पोजिशन ऑफ वेरियस अमीनो एसिड पहले पे कौन सा है दूसरे पे कौन सा है ऐसे ऐसे बता देगा सो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या कर रहा है गिव्स आइडिया अबाउट अबाउट पोजिशन ऑफ पोजिशन ऑफ वेरियस हो गया ठीक है यस आ जाओ दूसरे नंबर पे अब हम दूसरा करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर तुम बोलोगे कि मैम देखो बच्चे जब प्रोटीन बनता है ना नया बन रहा है प्रोटीन जब बनता है तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता है लेकिन उसको काम करने के लिए ना अपना स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है ठीक है इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है ना कोई भी प्रोटीन उसी में एक्टिव होता है उसी में काम कर सकता है क्यों काम कर सकता है क्योंकि उसका एक बढ़िया तरीके का कॉन्फर्मेशन भी बनना चाहिए अदरवाइज वो काम नहीं कर पाएगा तो प्राइमरी में वो काम नहीं करता एंड नॉर्मली सेकेंडरी में भी ज़्यादातर काम नहीं कर पाएगा मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स दे आर एक्टिव ओनली इन टर्शरी कुछ क्वार्टनरी में भी जाके एक्टिव होते हैं ठीक है पर प्राइमरी तो नहीं होने वाला अब दूसरा आएगा आपका सेकेंडरी सेकेंडरी इज सेकेंडरी मोहित मैं सारे चैप्टर करवाने वाली हूँ प्लीज 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 प्लीज, प्लीज. बोल मतलब इससे क्या होगा तुम बोलते रहोगे तो क्या मतलब क्या मैं करवाने ही वाली हूं ना है ना आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल द चैप्टर्स यार चलो आ जाओ अब कौन सा होगा क्या दिया है किताब में तुम्हारे हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड तो यहां लिख दू इसको हम डिवाइड करेंगे इनटू टू चलिएगा जी हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड चलो अब कैसे है बीटा प्लेटेड क्या है हेलिक्स क्या है सुन लो हेलिक्स तुम्हें पता ही है जैसे डीएनए का हेलिक्स होता है तो आपका जो प्रोटीन है वो ऐसे 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 करके ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा ठीक है दिस इज योर एन टर्मिनल एंड दिस इज योर सी टर्मिनल ओके अब बच्चे यहां पे तो आपको सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स दिख रहे थे ना एक अमीनो एसिड दूसरे से कैसे जुड़ा था पेप्टाइड बॉन्ड से यहां क्या होगा ना यहां आपको दूसरे बॉन्ड्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे यहां पे ना इस तरह का भी आपको ये देखो ऐसे ऐसे ओके okay? यहाँ आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी दिखेंगे इन केस ऑफ सेकेंडरी क्योंकि आपको आप, आपका जो स्ट्रक्चर उसको स्टेबल भी बनाना है द मोर बॉन्ड्स यू ब्रिंग इन द मोर स्टेबल योर स्ट्रक्चर विल बी आपका स्ट्रक्चर उतना ही स्टेबल होता जाएगा करेक्ट हो यस yes. इधर आ जाओ बीटा प्लीटेड कौन से कलर से बनाए ग्रीन से इसको भी ग्रीन से बनाएंगे ठीक है तो ये हो गया तुम्हारा तो बीटा प्लीटेड सिमिलरली यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ जाएंगे तो बच्चे यहां पे कौन से बॉन्ड्स हैं आपके पास यू हैव पेप्टाइड तो होगा ही होगा एंड यू हैव हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरा भी आ गया दूसरे तरीका तरीके का भी आपके पास बॉन्ड यहाँ पे बन गए क्यों क्योंकि मुझे थोड़ा सा और स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी मेरे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को इनको थोड़ा सा बेचारों को स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा ब्रीद कर पाएंगे ये अच्छा बच्चे यहाँ पे कमेंट्स में सॉरी इधर चैट में ना पिन हो चुका है कल की क्लास का लिंक कल मैं इसी चैप्टर के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाली हूँ साढ़े बारह बजे डू नॉट मिस द सेशन क्योंकि थियरी करने के बाद अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं देन दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू ठीक है तो उससे कोई हेल्प नहीं होने वाली है फिर वही है फिर तुम मुझे फिर से <coughs> बोलोगे मैम हमने तो सब कुछ कर लिया रिविजन कर लिया लेकिन नंबर नहीं आ रहे नंबर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं है ना चलो आगे बढ़ो तर्श्री बाय द वे ये कोई छोटा चैप्टर नहीं है एक शॉट में करवाना वन शॉट में करवाना बायो मॉलिक्यूल्स छोटा चैप्टर तो नहीं है देखो तुम भी समझते हो है ना चलो नेक्स्ट हम करेंगे टर्शरी दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर दिस इज द स्ट्रक्चर जहां पे आपकी एक्टिविटी ज्यादा होगी कुड यू ट्राई दैट अगेन इन इंग्लिश ये क्यों ऑन हो जाता है मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ये है आपका सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर यही मुझे चाहिए बायोलॉजिकल एक्टिविटी एक्टिविटी के लिए ठीक है चलो हाँ स्पेशल पर स्पेशल पर ओके आ जाओ चलो जी एक घंटा भी नहीं हुआ तुम निकलने शुरू हो जाते हो हाँ कहा क्या मतलब क्या है तुम्हारा सीन आई रियली डोंट नो आई रियली डोंट नो वॉट यू लुक फॉर इन अ क्लास Required, required for biological activities यही चाहिए मुझे बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए फॉर example, फॉर example व्हाट वी मायोग्लोबिन मायोग्लोबिन ठीक है फॉर example, मायोग्लोबिन चलो दंडन आ डन आ जाओ अब कैसे इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर तो बड़ा ही मजेदार है कैसा है ऐसे ऐसे बना दो ठीक है इट्स लाइक अ वूलन बॉल है ना ये है एन टर्मिनल ये है सी टर्मिनल ये क्या है वूलन बॉल दिस इज लाइक अ वूलन बॉल और यहां पे कौन-कौन से बॉन्ड्स होंगे फटाफट से लिख देंगे पेप्टाइड तो होगा ही बॉन्ड्स कौन से के होंगे बच्चे पेप्टाइड तो होगा ही यस पेप्टाइड हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा क्योंकि वो पहले भी था और ये ज्यादा स्टेबल है तो इसके पास भी होगा यहां बच्चे डाई सल्फाइड भी आ जाता है यहाँ पे डाई सल्फाइड भी आ जाएगा और क्या आएगा यहाँ पे आपका वैंड वॉल्स भी आ जाएगा इसमें सारे के सारे बॉन्ड रख ले अपने पास आयनिक भी आ जाएंगे आइनिक भी आ जाएंगे जो तक केमिस्ट्री जितनी भी आती है यहां लगा दो ऑल द बॉन्ड्स ना यू राइट हेयर ठीक है सारे के सारे बॉन्ड यहां लिख दो वेरी गुड वेरी गुड अब आ जाओ तुम इसके क्वार्टनरी स्ट्रक्चर पे लेट्स टॉक अबाउट द क्वार्टनरी स्ट्रक्चर फोर्थ इज द क्वाटनरी ठीक है भाई इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन है ना मैम हीमोग्लोबिन इसका एग्जाम्पल क्यों है मैं बताती हूं यहाँ पे आपके बच्चे अभी तक ना मैं देखो एक एक चेन की बात कर रही थी ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी ठीक है ये भी आपकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे करके ऐसे 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 से हो गई है लेकिन यहां पर ठीक है यहां पर हम बात करेंगे अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन जब अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी एक स्ट्रक्चर बना दें उसको हम बोलेंगे क्वाटनरी स्ट्रक्चर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ पहले हीमोग्लोबिन के पास होते हैं चार दो बीटा दो दो ब्लू दो ये ये कलर ले लें चलो हाँ ब्लू कलर में बना देते हैं ये रही आपकी बच्चे फोर्थ चेन ठीक है तो चार चेन बना दी मैंने चार चेन एक साथ है और साथ में और क्या है साथ में तड़कता भड़कता हम बुलाते हैं लाल रंग से तुम्हारा आयरन ठीक है दिस इज वॉट दिस इज आयरन दिस इज आयरन एंड यू हैव फोर चेन्स यू हैव फोर चेन्स तो ये क्या है दो बीटा चेन्स ऐसे लिख देती हूं टू बीटा चेन्स एंड बच्चे टू अल्फा चेन्स ठीक है ये क्या बन गया तुम्हारा दिस इज योर हीमोग्लोबिन ये क्या है ये हीमोग्लोबिन अब इसमें अलग अलग चेंज आ गई ना तो आप क्या लिखेंगे आप डेफिनेशन में लिखेंगे क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में हम क्या लिख देंगे वी विल राइट कि जहां पर कि जहां पर ठीक है कि जहां पर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड डिफरेंट पॉली पेप्टाइड आकर एक स्ट्रक्चर बना रही है उसको हम बोलते हैं क्वाटनरी ठीक है उसको हम बोलते हैं क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ योर हीमोग्लोबिन चार होती एंड इट कैन कैरी फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन क्यों क्योंकि चार ही तो चेन है ग्लोबिन 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 है ना क्या बच्चे प्रोटीन का स्ट्रक्चर सबको समझ में आया फटाफट से बता दो फर्ड आफर्ट से बता दो इज द प्रोटीन वाला पार्ट क्लियर टू एवरीबडी देन विल जस्ट विल जस्ट टॉक अबाउट द वेरियस प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन विच आर प्रेजेंट इन योर सिस्टम योर बॉडी चलिए जी क्लियर ओके मूविंग ऑन टू दिस पार्ट जहां पे ये आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से प्रकार के प्रोटीन हैं, तुम्हारे बॉडी में और उनका क्या क्या फंक्शन है देखो अब ये तुम डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में पढ़ते हो कोलेजन कहाँ पढ़ेंगे आप टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे दिस इज द इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है ना uh, कहाँ गया मेरा पेन ये रहा बच्चे सब कुछ इंपॉर्टेंट है इस पर ना मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आता है मैं यहाँ लिख देती हूँ दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन यहीं से बनता है ये मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन के लिए परफेक्ट है ये आ भी चुका है और ये आ भी चुका है तो दिस इज योर पी वाई क्यू ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम कहाँ पढ़ते हैं आप डाइजेशन में पढ़ते हैं क्या करते हैं वॉट इज द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन हाँ ट्रिप्सिन का क्या फंक्शन होता है बच्चे मैं नहीं बताऊंगी तुम बताओगे डाइजेशन चैप्टर हम कर चुके हैं इंसुलिन हार्मोन है रेगुलेशन में हेल्प करेगा ऑफ शुगर ब्लड में आपका ग्लूकोज का लेवल को रेगुलेट करेगा एंटीबॉडीज क्या करते हैं इम्यूनोग्लोबिन क्या करते हैं फाइट करेंगे अगेंस्ट इन्फेक्शन दिस चैप्टर इज ऑल्सो डन आर ऑफ रिसेप्टर्स बच्चे आपके बॉडी में जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं ना जो ब्रेन पे लगे हुए हैं ठीक है थीके? जो चाहे किसी भी ऑर्गेनल के ऑर्गेनल के मेम्ब्रेन पे भी लगे हैं सेल के मेम्बरेन पे भी लगे हैं वो क्या है वो सारे के सारे हैं प्रोटीन्स देन यू हैव ग्लट फोर ठीक है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाएगा इंसुलिन की वजह से दिस इज ऑल्सो दिस इज ऑल्सो यू नो इसका भी काम कौन करवा रहा है इंसुलिन ही करवाता है इंसुलिन इसको एक्टिवेट करता है और बोलता है चलो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाओ सेल के अंदर क्योंकि मुझे ब्लड के अंदर ग्लूकोज नहीं चाहिए राइट right? चलो प्रोटीन का डाइजेशन वेरी गुड वेरी गुड चलो तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट प्रोटीन बच्चे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट द टेबल इज गिवन इन एनसीईआरटी कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ये yes, याद तो करना पड़ेगा बट दिस इज लाइक की पूरा का पूरा जो बाकी चैप्टर्स है उन्हीं में से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के आपके सामने रख दिया है कुछ अलग वाला नहीं लाए है ना कुछ अलग वाला नहीं लाए वही इंफॉर्मेशन कुछ 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 कुछ, -कुछ चैप्टर में से निकाल के आपके सामने रख दिया है अब मैं पहले कार्बोहाइड्रेट्स करवा रही हूं उसके बाद मैं आपको लिपिड्स करवाऊंगी ठीक है फर्स्ट वी विल डू कार्बोहाइड्रेट्स बच्चे एंड देन वी विल डू लिपिड्स चलेगा चलेगा वेरी गुड एप्लीकेशन की डेट आ गई अच्छा जी ऐसी बात है ग्लट फोर ग्लट फोर इज ऑल्सो बच्चे प्रोटीन है ठीक है दिस इज बेसिकली योर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो आपके ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो यू नो चैनल प्रोटीन्स होते हैं जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर रखे होते हैं वो क्या होते हैं प्रोटीन ही होते हैं ना सो दिस इज दिस वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ इंसुलिन इंसुलिन इसको बोलता है कि भाई अपने uh, जो द्वार हैं उनको खोल दीजिएगा क्योंकि हम ग्लूकोज को अंदर लेना चाहते हैं सेल के ठीक है तो ये दिस वर्क्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलिन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज इन टू द सेल्स क्योंकि हम ग्लूकोज को आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं देखना चाहते चलो डेट आ गई अच्छा तो मतलब पचास हजार है वो क्या कहते हैं नोटिफिकेशन आ गई होंगी तुम्हें है ना बहुत सारी नोटिफिकेशन आ चुकी होंगी एंड तो कोई दिक्कत ही नहीं है अभी बच्चे मैं तो आपकी क्लास ले रही हूं मेरे को तो नहीं पता है ना मुझे तो नहीं पता होगा बिल्कुल होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मैं हर एक चैप्टर करवाने वाली हूँ सिर्फ तीन चैप्टर हैं जो मैंने आपको नहीं करवाए हैं अभी तक यूट्यूब पे वो तीनों चैप्टर्स भी होंगे न्यूरल एक्सक्रीशन टिश्यू ठीक है वो भी हो जाएंगे डू नॉट वरी आज जाओ कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं ठीक है चलो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट हां आ जाओ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है हम इनको प्यार से शुगर बोल देते हैं क्या बोलते हैं बच्चे हम इनको प्यार से शुगर बोल देते हैं तीन तरह के होंगे बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन कराने वाली हूं और ऐसे ही करना है तीन तरह के होंगे कार्बोहाइड्रेट्स ठीक है एक होगा आपका मोनोसेखराइड एक होगा आपका ओलिगोसेराइड और एक होगा आपका पॉलीसेड मोनो सेखराइड है ना बच्चे ठीक है मोनोसेकराइड को ही हम पहले डन एंड डस्टेड कर लेते हैं मोनोसेक्राइड मतलब एक मोनोमर होगा वन मोनोमर ओनली वन मोनोमर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल राइबोज लिखो 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 फॉर एग्जाम्पल राइबोज ठीक है इज़ अ पेंटोज शुगर पांच कार्बन होते हैं इसमें फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज विच इज अ सिक्स कार्बन शुगर फ्रक्टोज अगेन सिक्स कार्बन देन यू हैव गैलेक्टोज अगेन सिक्स कार्बन दे ऑल आर सिक्स कार्बन बच्चे एंड ये हैगजोज ये क्या है आपके हेग्जोज होते हैं हेग्जोज बोले तो छः कार्बन वाले शुगर ये क्या है पेंटोज पेंटोज बोले तो पाँच कार्बन वाला शुगर अब आ जाए ओलिगो पे ओलिगो का मतलब तो फ्यू कुछ ही ओलिगो सैकराइड कैसे हैं कुछ ही हैं दे आर फ्यू कितना दो से दस दो से दस मोनोमर है ठीक है दो से दस मोनोमर है इसमें कौन से एग्जाम्पल है कौन से कलर से लिखा मैंने येलो से लेक्टोज, ठीक है जी कितना है किससे बना हुआ है गुलू एंड गैलेक्टोज से बना हुआ है सुक्रोज सुक्रोज किससे बना है? गुलू एंड फ्रक्टोज से बना हुआ है देन यू हैव देन यू हैव माल्टोज माल्टोज किससे बना है बच्चे गुल्लू गुल्लू से बनाए गुल्लू प्लस गुलू से तुम्हारा माल्टोज बनाए ठीक है सो दीज द ऐसे तो ऑलिगो बहुत सारे होते हैं लेकिन हमें तो वही याद रखने हैं जो हमारे काम के हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हैं तो हमें इलेक्टो एंड माल्टो जरूर याद रखना है ओके दो या दस के बीच में जो आएंगे वो आपके हो जाते हैं अब पे यहां पे लिख रही हूं इसको अलग से भी करवाऊंगी इसको अलग से भी करेंगे बच्चे यहां पर मोर देन ग्रीन कलर से लिखा ना मोर देन टेन मोनोमर्स जब दस से ज्यादा आ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे पॉलीसेकेराइड्स बोल देंगे रे बच्चों है ना यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो आ जाओ नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल क्या है स्टार्च और भी हैं वो अभी आगे करवाऊंगी आपको ठीक है तो ये हो गया तुम्हारा जनरल मैंने आपको क्लासिफिकेशन करा दिया ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट्स अब जरा इसका डायग्राम देख ले कार्बोहाइड्रेट्स के भी डायग्राम दिए तुम्हारी किताब में पुस्तक में कौन कौन से हैं दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें सबको पता होना चाहिए आई एम श्योर यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज राइबोज का स्ट्रक्चर हम सबको पता होना चाहिए आई एम श्योर यू ऑल्सो नो द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दू कि जो होता है ना बच्चे जो आपका ग्लूकोज है ना ग्लूकोज में छ कार्बन uh, है आपके ठीक है सिक्स मेंबर रिंग है तो जो सिक्स मेंबर रिंग होती है उनको हम बोलते हैं पायरेनोज जो पांच मेंबर रिंग होती है उनको हम बोलते हैं फ्यूरेनोज उनको क्या बोला जाता है फ्यूरेनोजिस बोला जाता है ठीक है okay. Okay, चलो ओके ओके चलो और बीच बीच में जो भी बच्चा नया आता है मुझे पता है पढ़ते पढ़ते आपको याद नहीं रहता बट यार लाइक कर दिया करो सेशन को अच्छा लगता है मोटिवेशन हमें भी मिल जाता है थोड़ा सा निन्नू सा हल्का सा है ना चल ये हो गया आगे बढ़े प्रिया तुम आते नहीं हो ना सेशन में ये बड़ी गलत बात है ये बड़ी गलत बात है तुम्हारी चलो अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि बॉन्ड कैसे बनेंगे इसके भी बॉन्ड कैसे बनेंगे बच्चे इसके बॉन्ड भी बनाते हैं चलो आज वो इसके बॉन्ड बनाते हैं जैसे कि मान लो मेरे पास है दिस इज दिस इज ग्लूकोज ठीक है ग्लूकोज है ये यह. यहाँ ऑक्सीजन लगा देते हैं बेचारा अच्छा जी यहां आ गया तुम्हारा ओ OH. एच ठीक है चलो अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मैं तो कर सकती हूँ कॉपी पेस्ट तुम अपना देख लेना भाई पेस्ट चलो घुमाते नहीं हैं ये रहा ओके आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन एंड मैं दूसरी तरफ इसका ओ OH एच लगा देती हूँ ये आप, आपके हो गए दो ग्लूकोज के यूनिट अब यहां पे भी क्या होएगा बच्चे यहां पे भी आप पानी निकालने वाले हो ये लो ठीक है और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है इधर ये लीजिएगा हम क्या बना रहे हैं यहां पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना देंगे सो so, पानी निकाल दिया यहां पे बॉन्ड बना देंगे है ना अब क्या जाएगा बीच में ऑक्सीजन तो रह गया पानी तो चला गया दिस बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक क्या है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये क्या है बच्चे दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड चलो डन डन डना डन डन ओके कोई बच्चा बैठे ना बैठे निकले सेशन में एंड तक रहे ना रहे मैं तो आज ही ये चैप्टर खत्म करवाने वाली हूं यस yes. एक ही क्लास में बच्चे सारे के सारे सिक्सटीन मार्क्स आपके आपके पॉकेट्स में है। बिल्कुल ठीक है चलो आ जाओ अब बात करते हैं की पॉलीसेक्राइड मैंने बोला था अलग से भी करवाऊंगी पॉली सेखराइड पॉलीसेकराइड को अगेन मैं डिवाइड कर सकती हूं देखो कुछ ऐसे होंगे पॉलीसेक्राइड जिनके जो मोनोमर्स है वो सेम है मतलब ग्लूकोज 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 लगता जा रहा है बस कुछ ऐसे भी होंगे जिसके डिफरेंट होंगे है ना कुछ ऐसे भी होंगे जिसके डिफरेंट होंगे तो जिनके सेम होंगे ना बच्चे उनको हम बोलेंगे वी विल कॉल देम वी आर गोइंग टू कॉल देम हम उन्हें बोलेंगे होमो होमो पॉली सेखराइड बोलेंगे हमने क्या बोलेंगे होमो पॉली सेखराइड बोलेंगे और जिनके होंगे अलग अलग पॉलीमर्स सॉरी मोनोमर्स उनको बोलेंगे हेटरोपॉली पॉली हेटोरो पॉली बोल दिया ओके मूविंग ऑन यस बचे चलो मैम स्ट्रक्चर्स कैसे याद रखूँ स्ट्रक्चर्स बच्चे बार बार आपको बनाने पड़ेंगे तो ही याद देंगे कोई इस चीज़ का कोई यू नो शॉर्टकट नहीं है कुछ चीज़ें मेहनत करके ही आती हैं मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता कुछ चीज़ें स्मार्ट वर्क से आ जाती हैं जो कि मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि इसकी ये ट्रिक है ऐसे याद रख लो लेकिन बच्चे कुछ चीज़ें हार्ड वर्क से ही आती हैं मेहनत करके ही आती हैं और ना जो मेहनत होता है ना चाहे उसे टाइम लग रहा हो उसको कोई डिफीट नहीं कर सकता उससे आगे कोई जा ही नहीं सकता तो मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता कोई चीज याद नहीं होती मेहनत करो कोई स्ट्रक्चर याद नहीं होता मेहनत करो मेहनत के आगे किस्मत भी घुटने टेक देती है ठीक है ना चलो यस गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सो दिस इज मेड ऑफ ओनली सॉरी सेम टाइप ऑफ मोनोमर एक ही जैसे मोनोमर बना बनाए बच्चे ऐ नहीं इसको मैं फर्दर भी डिवाइड करूंगी ऐसा नहीं है कि बस ये हो गया इसको मैं फर्दर डिवाइड करूंगी आई विल डिवाइड दिस फर्दर इन टू टू टाइप्स ठीक है दो तरीके में फिर से डिवाइड कर देंगे हम इसे एक होगा स्ट्रक्चरल एक होगा सॉरी स्टोरेज बेसिकली फंक्शन के बेसिस पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया है एक स्ट्रक्चर बनाएगा और एक स्टोरेज करेगा आप स्ट्रक्चर बनाने वाले कौन से हैं सेल्यूलोज किससे बना है ग्लूकोज से बना हुआ है यहां पे सेम यूनिट होगी ठीक है काइटिन भाई काइटिन काइटिन क्या है काइटिन आपका एक्सोस्केलेटन बनाता है ऑफ आर्थ्रोपोड्स तो स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया ना हो गया ना बच्चे हो गया ना

पॉलीसेराइड दिस इज अ टाइप ऑफ पॉलीसेराइड जो क्या बना रहा है काइटिन बना रहा है जो क्या बना रहा है काइटिन बना रहा है टन चल, नाउ जी स्टोरेज पे आ जाओ स्टोरेज कौन सा है स्टोरेज में कौन सा आ जाएगा स्टोरेज में आ जाएगा तुम्हारा गुल Gull... ग्लाइकोजन ठीक है स्टोरेज में आ गया ग्लाइकोजन किससे बना गुल्लू से बना हुआ है ग्लू से ही बना है स्टार्च आ जाएगा बच्चे स्टार्च भी किससे बना है ग्लू से ही बना है और क्या आ जाएगा इन्यूलिन वेरी इंपॉर्टेंट इसको तुम मिस कर देते हो बेचारे को इन्यूलिन फ्रक्टोज से बना हुआ है किससे बना है फ्रक्टोज से और ये आपको कहाँ मिलेगा मोस्टली इन प्लांट्स बच्चे कहाँ मिलेगा मोस्टली इन केस ऑफ प्लांट्स मिलेगा चलो <coughs> मैम आपने जल्दी लेक्चर क्यों लिया क्योंकि बच्चे uh, वो टाइम मुझे नहीं सूट कर रहा था ठीक है मैं बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रही थी उस टाइम पे एंड दैट टाइम वाज नॉट सूटेबल फॉर मी ऑल राइट ठीक है बट एनीवे इट इज़ मी ओनली चाहे टू थर्टी पे आऊँ चाहे फोर पी एम आऊँ मैं ही हूँ है ना? सो इट इज़ ओके आई थिंक ठीक है बच्चे हाँ जी एक बार रिवीजन करें फटाफट से देखो क्या था हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड करना था मोनोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड में फिर मैंने देखा कि पॉलीसेक्राइड्स को भी मैं फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ इनटू टू हेटरो एंड होमो हेटरों में अलग अलग तरह के मोनोमर आ जाएंगे होमो में सेम मोनोमर आ जाएगा ठीक है इसमें हमने देखे स्ट्रक्चरल वाले जैसे कि सेलुलोज एंड काइटिन स्टोरेज वाले देखें ग्लाइकोजन आपके बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में होता है और इनुलिन के फॉर्म में भी होता है नाउ मूविंग ऑन टू द कौन सा कलर यूज करा है मोनोमर्स so यहां पर आ जाएंगे ठीक है अब इसका एग्जाम्पल क्या बच्चे इसमें एग्जाम्पल है तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल पैप्टिडो ग्लाइकन जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है जो किसमें होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल में और ये किससे बना हुआ है दिस इज अगेन मेड अप ऑफ नाम प्लस नाग नाग में आपको वहां लिखवा चुकी हूं क्या था नाम में यहां लिखवा देती हूं नाम इज एन एन एसिटाइल म्यूरेम एसिड ठीक है ये पेप्टिडोग्लाइकन क्या है म्यूरीन जो आप पढ़ते ना म्यूरिन भी होता है पेप्टिडोग्लाइकन इज व्हाट दिस इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया की सेल वॉल में ये होता है तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को कौन बना रहे दो अलग चीजें थी ना नाम और अनाग मिलके बना रहे दैट मींस इट इज अ हेटरो चलो दिस इज द बेस्ट टाइम वैसे तो अगर देखा जाए तो क्योंकि देखिए बच्चे 2 से लेके 5 का टाइम आपको सुपर एक्टिव रहना है है ना एक तरह से देखा जाए तो दिस इज़ अ गुड टाइम ना अगर मेरी क्लास होगी तो तुम सोने का भी होगा अगर किसी बच्चे को तो वो बोलेगा नहीं 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 एक टिप दे रही हूँ मैं तुम्हें टू टू फाइव आपको मोस्ट एक्टिव रहना है क्योंकि वही टाइम है आपका जब आपका पेपर भी होगा एक्चुअली दो से पाँच बज के बीस मिनट तक ठीक है आ जाइए बालको चलो अब स्टार्च की बात कर लेते हैं एंड सेलुलोज की बात कर लेते हैं देखो स्टार्च में अगर यहाँ पे डायग्राम दिखाया है नहीं दिखाया तो हम बनाएंगे हम खुद बनाएंगे कोई बात नहीं नहीं दिखाया तो हम खुद डायग्राम बनाएंगे स्टार्च की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्च और आयोडीन मिलके डार्क ब्लू कलर देते हैं है ना इनका जो रिएक्शन होता है वो डार्क ब्लू कलर देता है क्यों देता है क्योंकि स्टार्च के अंदर ना देखो समझो स्टार्च के अंदर ना ऐसे ऐसे हेलिसिस प्रेजेंट है स्टार्च का स्ट्रक्चर कैसे ऐसे ऐसे हेलिसिस प्रेजेंट है और इसके अंदर ना आपका आयोडीन छुप के बैठ जाता है ये आयोडीन को होल्ड कर लेता है इट कैन होल्ड आयोडीन एंड दैट इज वाई इट प्रोड्यूसिस ब्लू कलर हेलिसिस प्रेजेंट कैन होल्ड कैन होल्ड आयोडीन इसलिए ये ब्लू कलर देता है वेर एज सेलुलोज बेचारे सेलुलोज के पास होते ही नहीं है अगर मैं सेलुलोज की बात करूं नो हेलिसिस तो नो कलर सो इट इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूज एनी कलर नो कलर नो कलर विद आयोडीन ठीक है यस yes. हाँ जी सही है ना निन्नू आती है फिर वही हाँ जी यही टाइम ले लूँ चलो यही टाइम सेट कर देते हैं फिर अगर तुम्हें लगता है मेरे लिए तो मुझे लगता है कि दिस टाइम ऑल्सो तो वर्क बेटर फॉर मी अदरवाइज चलो देख लेंगे जब तो बहुत लंबा सेशन लेना होगा तो किसी और टाइम पे ले लेंगे बट आज का सेशन तो आई थिंक टू एंड हाफ आवर में हो तो जाना चाहिए पूरा का पूरा चैप्टर क्योंकि मैं हर एक चीज़ लिखवा के डिटेल में तुम्हें करवा रही हूँ इसलिए कलर नहीं बनेगा ठीक है क्योंकि ये आयोडीन को नहीं पकड़ के रख सकता सेलुलोज के एग्जाम्पल्स क्या होंगे आपको सेलुलोज सेल्युल मिलता है बच्चे कॉटन फाइबर में मिल जाता है है ना पेपर में मिल जाता है पेपर का जो पल्प होता ना प्लांट का पल्प है उसी से पेपर बनता है प्लांट पल्प ये क्वेश्चन भी तुम्हारा पीवाई क्यू है दिस इज ऑल्सो पी वाई क्यू यह क्या है दिस इज अ पी वाई क्यू क्वेश्चन ये आपको पूछा जा चुका है हाँ ठीक है आज का चैप्टर पूरा डिटेल में हो रहा है ओके यू आर हैप्पी वेरी गुड वेरी गुड अच्छा चलो एक चीज और बताती हूँ तुम्हें यहाँ पर या इधर बता देती हूँ आई एल राइट इट हियर आई एल राइट एट हीयर समाइम्स दे ऑल्सो क्वेश्चन कि भाई बताइए कौन सा ऐसा शुगर है जो रिड्यूसिंग सॉरी नॉन रिड्यूसिंग है शुगर शुगर नहीं सुक्रोज सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर प्लीज याद रख लेना ठीक है और जो ग्लाइकोजन है ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन का डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसका राइट हैंड सॉरी राइट एंड राइट एंड इज बच्चे रिड्यूसिंग आर से राइट आर से रिड्यूसिंग याद रख लेना ठीक है आर से राइट आर से रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट रिड्यूसिंग होता है एक और चीज मैं तुम्हें यहां दिखाती हूं ये रहा ये ना ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है अब इसमें कुछ चीजें फटाफट से बुक में लिख लो कुछ बातें हैं फटाफट से बुक में लिख लो ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आप जब पढ़ोगे हम पढ़ेंगे क्या बात है क्या बात है मैम इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से चार क्वेश्चन आ जाते हैं तो सोलह नंबर का तुम्हारा ये चैप्टर है और ये सोलह नंबर ना मैं जैसे तुम्हें पढ़ाती जा रही हूँ ना ध्यान रखो उस चीज़ को एंड एन को साथ में पढ़ लेना कुछ नहीं एंड उसके बाद कल साढ़े बारह बजे जिसका लिंक भी मैंने पिन करवा दिया है ठीक है लिंक भी मैंने पिन करवा दिया चैट में ऊपर दिख रहा होगा तुम्हें फ्री क्लास लिखा होगा उसको एनरोल कर लो क्वेश्चंस भी लगाओ मेरे साथ ठीक है सेशंस भी लगाओ एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड डू नॉट वरी डू नॉट वरी लव यू टू श्रद्धा लव यू टू आ जाओ चलो देखें अभी जरा इसमें मैं क्या तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूं ये देखो <coughs> आ जाओ नाउ अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं बच्चे तो दिस इज वन थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा इसको दिस इज़ फर्स्ट पोजिशन दिस इज सेकेंड दिस इज थर्ड दिस इज फोर्थ दिस इज फिफ्थ एंड यहाँ पे जो एक ओ OH एच है वो है तुम्हारा सिक्सथ ऐसी होगी ना नंबरिंग यही होगी यहाँ पे फिर से कर दूँ वन टू थ्री फोर फाइव एंड दिस वॉज सिक्सथ देख रहे हो तो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे जो दो ग्लूकोज हैं उनका जो बॉन्डिंग हो रहा है उनका जो लिंकेज है वो कौन सा है दिस लिंकेज इज विच टाइप ये वाला लिंकेज जो है ये क्या है वन एल्फा वन फोर लिंकेज क्यों क्योंकि आपका पहला और फोर्थ पोजीशन पे ही लिंकेज हो रहा है बॉन्ड बन रहा है अच्छा फिर ये पूछेंगे अगर ब्रांच निकले तो ये देखो यहां से ब्रांच निकल रही है ये बोलेंगे ब्रांच निकले तो उसमें कौन सा लिंकेज है ये देखो आज देख लेते हैं यहाँ पे भी अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूँ सो इट विल बी वन टू थ्री फोर फाइव एंड देन देयर इज सिक्स देखो जरा ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है छः और एक के बीच में लिंकेज है तो इसको मैं क्या लिख दूंगी आई विल राइट ये वाला जो आपका लिंकेज है ना बच्चे दिस इज योर विच टाइप दिस इज योर एल्फा वन सिक्स लिंकेज ये पूछा जा सकता है ठीक है ये पूछा जा सकता है ओके okay. ये प्लीज लिख लेना एन में ही लिख लो चाहे कोई ब्रेक नहीं मिलेगा हैश टैग नो ब्रेक हैश टैग नॉट नो ब्रेक एंड दीज आर वॉट दीज आर द ब्रांचेज ये देखो ये ये क्या है ये ब्रांचेज निकली हैं तो आपको ये क्वेश्चन भी हैं कौन सा ऐसा है जिसमें ब्रांचेज होती हैं वो यही वाला है यही वाला है ओके एंड वी आर डन विद कार्बोहाइड्रेट्स नाउ वी शुड मूव ऑन टू लिपिड्स क्या अब हम लिपिड्स कर ले यस yes. लिपिड्स करें आप नेक्स्ट लिपिड्स फिर न्यूक्लिक एसिड फिर तो एंजाइम ही रह जाएगा ठीक है फिर क्या रह जाएगा एंजाइम रह जाएगा <laughs> जाओ चलो 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 एग्जाम्पल भाई अनु 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 क्या है अनु ये सब क्या है एग्जाम्पल ही तो हैं अनु अनु चक्षु खोलिएगा सारे एग्जाम्पल लिखवा दिए एक एक एग्जाम्पल एक लिखवा दिया फिर भी अनु मुझे बोले कि मैम एग्जाम्पल तो लिखवा दो चलो आ जाओ लिपिड्स बच्चे दिस इज अ क्विक रिविजन बट डिटेल्ड रिविजन क्विक एंड डिटेल रिविजन सुपर से भी ऊपर वाली नींद आ रही है ब्रो पिटाई ठीक है पिटाई 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 बहुत पिटाई उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ सो so, लिपिड्स को मैं डिवाइड करूंगी लिपिड्स कैसे होते हैं आपके वाटर इन्सॉल्यूबल होते हैं घी और पानी कभी घुला है आज तक जिंदगी में कभी नहीं घुला है नहीं बुलाये इसके पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी बच्चे कम होते हैं इसको हम सीधा क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे इंटू थ्री टाइप्स ठीक है ना तीन टाइप्स में हम डिवाइड कर देंगे कौन से सिंपल है सिंपल सिंपल कंपाउंड है ठीक है? है और क्या है डिराइव्ड है और क्या है डिराइव्ड है तो सबसे पहले सिंपल को उठाएंगे फिर कंपाउंड करेंगे और फिर डिराइव्ड करके लिपिड्स को भी हम डन एंड डस्टेड करेंगे रे बच्चों है ना यस वेरी गुड वेरी गुड इंद्रगुल ग्रेट 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 गुड गुड तुम्हें ऐसा लगता है मुझे पूरा भरोसा है कि तुम सबका सिलेक्शन होगा इस बार ठीक है बिल्कुल होगा यार बिल्कुल होगा आई नो आई नो बच्चे आपकी कंटिन्यूसली क्लासेस होती हैं मुझे पता है मुझे बिल्कुल पता है और आ, आपको मैं एक बात बताती हूँ आपको चाहे मैं स्क्रीन पे नहीं दिखती होंगी ना तभी भी ना ये समझ लिया करो कि चाहे गार्गी मैम स्क्रीन पे नहीं दिख रही वो उस टाइम भी कुछ ना कुछ काम कर रही हैं वो उस टाइम भी आपके लिए सेशन प्रिपेयर कर रही हैं वो उस टाइम भी आपके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर कर रही हैं है, है ना तो ये सोचा करो कि यू आर नॉट अलोन इन दिस थिंग आई एम ऑल्सो विद यू आपके साथ साथ मैं भी बहुत सेक्रीफाइस कर रही हूँ आपके साथ साथ मेरा भी माई हेल्थ इज यू नो बहुत बहुत बुरे बुरे टाइम से मेरा हेल्थ जा रहा है तो ऐसा नहीं सोचने का हम सबको पुश करना है एक दूसरे को वी आर ऑल इन टुगेदर इन दिस यू आर नॉट अलोन साथ में बिल्कुल साथ में है ना यस yes. आ जाओ चल थोड़े से बच्चे और निकल लिए क्योंकि पेशेंस <coughs> पेशेंस सिटिंग कैपेसिटी सब बच्चों की नहीं होती जिसकी है वो आगे जाएगा जिसकी नहीं है बच्चे बिटर ट्रूथ पीछे रह जाएगा तो कोशिश करनी है कि वो कैपेसिटी बनानी है जब तुम सेशन uh, को ड्रॉप करके निकल लेते हो ना छोड़ के निकल लेते हो एक चीज़ याद रखा करो कि एक बच्चा शुरू से लेकर अंत तक बैठा रहता है सिलेक्शन तो बच्चे उसी बच्चे का होना है ठीक है बिटर ट्रूथ हार्श ट्रूथ बट दिस इज़ द ट्रूथ दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ नेक्स्ट सिंपल में आ जाएंगे आपके सिंपल कैसे बनाए सिंपल बनाए फैटी एसिड से एफ ए मतलब फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल और ये कैसे बनाए बच्चे सिंपल सिंपल वाले प्लस कोई एडिशनल ग्रुप दे देंगे हम इसको एडिशनल ग्रुप दे देंगे वो क्या होगा जैसे कि फॉस्फेट फॉस्फोलिपिड्स बना देते हैं डिराइव्ड में क्या होगा डिराइव्ड में आपके सिंपल प्लस कंपाउंड दोनों आ जाएंगे ये दोनों मिलके डिराइव बना देंगे है ना ये दोनों मिलके डिराइव बना देते हैं यस ओके okay, अच्छा अब मैं पता क्या करूंगी हम लोग सिंपल की बात करेंगे दो मिनट में करेंगे लेकिन मैं यहां पे ना पहले ही आपको कंपाउंड के एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ ठीक है <coughs> तो कंपाउंड के एग्जाम्पल क्या है कंपाउंड के एग्जाम्पल सा इसमें आपका सिंपल प्लस एडिशनल ग्रुप मैंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल फॉस्फो लिपिड देखो बच्चे क्या है इसमें लिपिड भी है और फॉस्फरस ग्रुप भी है ठीक है सॉरी फॉस्फेट ग्रुप भी है लिपिड भी है और फॉस्फेट ग्रुप भी है कौन सा आ गया यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आ गया है ना तो ये हो गया ना ये हो गया आपका कंपाउंड लिपिड फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लिस एग्जाम्पल दिस इट इज अफेड विच इज फाउंड इन सेल मेमोर इनका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पूछा जा चुका है पेपर में कि बताइए ये क्या है ये कौन है ये है तुम्हारा देखो क्या आ गया फॉस्फेट ग्रुप आ गया आया ना फॉस्फेट ग्रुप ठीक है फॉस्फेट ग्रुप आ गया दिस इज योर दिस इज योर फॉस्फोलिपिड या फिर कंपाउंड लिपिड और देखो डिराइव लिपिड ये रहा कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल का भी आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बिकॉज ये भी क्वेश्चन आ चुका है बताइए ये क्या है ठीक है दिस इज योर कोलेस्ट्रॉल वेरी इंपॉर्टेंट एवरी स्ट्रक्चर गिवन ऑन दिस पेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एब्सुलटली इंपॉर्टेंट तो यह है कोलेस्ट्रॉल आ जाओ तो अब हम लिख देंगे डिराइव्ड का भी एग्जाम्पल लिख देती हूँ यहां पे. कोलेस्ट्रॉल ठीक है डिराइव्ड का क्या एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल. अब हम बात करेंगे सिंपल की ठीक है अब हम देखेंगे कि सिंपल में क्या क्या तरीके से कैसे इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है चल आ जाओ सिंपल लिपिड आपका बनाए किससे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनाए किससे बनाए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनाए तो सिंपल को हम उठाते हैं अब ठीक है सिंपल लिपिड्स किससे बने बच्चे दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड फैटी एसिड वॉट इज फैटी एसिडी फैटी फैटी एसिड इज बेसिकली ये आपका आर ग्रुप प्लस सी ओ एच इज फैटी एसिड ग्लिसरॉल तुम्हें पता ही है क्या है ग्लिसरॉल तुम्हें पता ही है तो अब मैं दोनों को जोड़ दूंगी प्लस ग्लिसरॉल तो दोनों को जोड़ देते हैं आप आ जाओ जोड़ते हैं दोनों को और बनाते हैं हम अपना पहला फैटी एसिड यस आ जाओ बिल्कुल अच्छा बिल्कुल सही बात सही बात यस yes, अर्शी वेरी गुड इट इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बिल्कुल ठीक है आ जाइए देखो सो वी विल मेक दिस ग्लिसरॉल सी एच टू ओ एच सी एच ओ एच एंड देन सी एच टू ओ एच दिस इज ग्लिसरॉल या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो यू कैन ऑल्सो कॉल दिस ट्राई हाइड्रोक्सी ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन प्रोपेन ये भी बोला जा सकता है इसको बिल्कुल बोला जा सकता है ठीक है प्रोपेन में हमने ये लगा दिए ओ एच ओ एच तीन लगा दिए तो ट्राई हाइड्रोक्सी हो गया ओके okay, चलो अब इसमें क्या ऐड करेंगे वी विल ऐड फैटी एसिड है ठीक है अब यहां पे एक फैटी एसिड हम ऐड कर देते हैं फैटी एसिड को हम पिंक कलर से बना लेते हैं अरे क्या था फैटी एसिड सी ओ ओ एच प्लस आर ग्रुप मैं वन लिख रही हूँ क्योंकि हम देखेंगे कि हम तीन तरह के सिंपल लिपिड्स बना सकते हैं ठीक है दिस इज फैटी एसिड चलिए जी बनाते हैं दोनों को जोड़ना है वी हैव टू कंबाइन बोथ तो तुम्हें पता है अभी मैं क्या करूँगी मैं तो चिटिंग्स कर लूँगी है ना आई विल तो डू चिटिंग्स तुम फिर देख लेना तुम्हें क्या करना है अभी ये छोटा कैसे हो गया ये इतना ही था इतना ही था चलो ये ले लिया मैंने अब हम इसको भी उठा लेंगे यहां से ठीक है चलो तो बच्चे मैं बेसिकली क्या करने वाली हूं आई एम गोइंग टू अटैच दिस हेयर और यहां से भी पानी निकाल लेना है सिंपल सी बात है पानी निकालोगे एस्टर बॉन्ड बन जाएगा एस्टेरीफाई करना है इसको वी हैव टू एस्टेरीफाई दिस ये निकल चुका है वुटर, वुटर में ये भी तो निकल जाएगा चलो ये लो जोड़ दिया ये आपका बन गया फैटी सॉरी ये आपका बन गया सिंपल लिपिड इसको हम बोलेंगे मोनो ग्लीसराइड क्या बोलेंगे मोनो ग्लिसराइड ठीक है आपने क्या बनाया यहां पे एस्टर बनाया दिस इज एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिस तो सिंपल लिपिड आपका बन गया सिंपल लिपिड आपका बन गया एंड विच इज मोनो ग्लिसेराइड मोनो ग्लिसराइड क्योंकि एक जगह पर ही आपका हमने एडिशन करा है सिर्फ एक जगह पर एडिशन करा बच्चे तो इसलिए हम क्या बोलेंगे मोनोग्लिसराइड बोल देंगे एंड मोनोग्लिसराइड क्या है किसका एग्जांपल है सिंपल लिपिड का एग्जांपल है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल लिपिडना डंडन अच्छा तो सिंपल लिपिड क्या हुआ सिंपल लिपिड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एस्टर हुआ ठीक है क्या कर दिया तुमने एस्टेरिफिकेशन कर दिया तो मैं लिख दू यहाँ पे सिंपल लिपिड क्या हुआ दिस इज एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इससे बनता है तुम्हारा सिंपल लिपिड। अच्छा बच्चे एक और बात बताओ अगर मैं यहाँ पे भी एक ग्रुप लगा दूँ, यहाँ पर तीसरा ग्रुप लगा दू तो मैं इसको डाई ट्राई बोल सकती हूँ यस yes, मैं बोल सकती हूँ जैसे कि यहाँ दिया हुआ है ये देखो ये ट्राई दिया है जहाँ पे तीनों के तीनों आपके ग्रुप लग चुके हैं यह देखो यहाँ लग चुका है यहाँ लग चुका है यहाँ लग चुका है वैसे ही डाई भी हो सकता है एंड ट्राई भी हो सकता है डिपेंडिंग कि आप कितने फैटी एसिड्स को अटैच कर रहे हैं ठीक है ठीके? तो जैसे मोनो बना वैसे क्या बन सकता है डाई भी बन सकता है एंड ट्राई भी बन सकता है डाई ग्लिसराइड भी बन सकता है ट्राई ग्लिसराइड भी ट्राई ग्लिसराइड भी बन सकता है दोनों बन सकते हैं ठीक है ओके ओके अब जरा फैटी एसिड की मैं बात कर लूं हमने यहां पे फैटी एसिड बनाया ना फैटी एसिड भी बच्चे आपके दो प्रकार के हो सकते हैं या तो जिसके पास डबल बॉन्ड हो या फिर वो जिसके पास डबल बॉन्ड ना हो सेचूरेटेड अनसेचूरेटेड तो ये भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है अरे बाल को लिखते हैं फैटी एसिड भी आपके अलग तरह के हो सकते हैं ठीक है फैटी एसिड्स दो तरह के विच वन यू विल हैव सेचुरेटेड एंड बच्चे अनसे अनसेचुरेटेड तो सेचुरेटेड में क्या आ जाएगा और अनसेचुरेटेड में क्या आएगा देखे यस वेरी गुड वेरी गुड गुड जॉब गुड जॉब कई बच्चे पढ़ने आए हैं यहाँ पे एंड आई एम लविंग दीज बच्चा कई बच्चे गप्पे मारने आते हैं इनको मैं बोलूँगी भगवान इनकी हेल्प करें क्योंकि गप्पे मारने से तो कुछ होने वाला है नहीं किसी का अरे यार कम ऑन गेट अप सेचूरेटेड सेचूरेटेड में बच्चों कोई डबल बॉन्ड नहीं होता नो डबल बॉन्ड इनके पास नहीं होगा ठीक है या ट्रिपल भी नहीं होगा एग्जाम्पल क्या है पामिटिक एसिड एग्जाम्पल क्या Palmitic acid. है पामिटिक एसिड इसमें कितने कार्बन होते हैं सोलह कार्बन होते हैं ये क्वेश्चन आ चुके हैं चलो जो किताब में दी है ना वही लिखवाती हूँ बाकी नहीं लिखवाती नहीं तो तुम तुम्हें और भी कुछ याद करना पड़ जाएगा सो आई विल नॉट राइट दैट देन दूसरे में बच्चे यहां भी डबल बॉन्ड होंगे प्रेजेंट इधर है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल किताब में दिया है तुम्हारा एरकडोनिक एसिड दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैकि एसिड जिसमें है बीस कार्बन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसेचुरेटेड वन देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ ये देखो दिया ना पामेटिक एसिड दिया हुआ ना दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेचुरेटेड ये क्या है सेचुरेटेड है कोई डबल बॉन्ड नहीं है यहां पे, नो डबल बॉन्ड लेकिन जो इराकेटोनिक एसिड है आपका जिसका डायग्राम नहीं दिया तो वो आएगा भी नहीं तुम्हारे सिलेबस में वो क्या है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बच्चे अनसे वन अब ठीक है यस ओके मैंने आपको सिर्फ एंसीआरटी वाले लिखवाए हैं कुछ बच्चे जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं वो एक्स्ट्रा वाले भी बता रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे मैंने थोड़ा और भी ज़्यादा कुछ चीज़ें बताई थी बट बत बच्चे इस टाइम पे प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ एन कर लो क्योंकि अभी हमें ना वो करना है जिससे पक्का ठीक है कम टाइम में वही चीज़ करनी है जिससे हमारा बात बन जाए इस चैप्टर में तुम 16 नंबर बिल्कुल ले आओगे सिर्फ एन पे भी अगर फोकस करते हो तो बिकॉज दिस इज़ नॉट द टाइम जब आप इधर उधर जाके एक्स्ट्रा चीजें पढ़ो ये yes, तुम मेरे जब डिटेल सेशन देखोगे तो उसमें तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल सकती हैं क्योंकि बच्चे उस टाइम पे क्या होता है ना डिटेल में पढ़ा रहे हैं टाइम होता है यू कैन इन्वेस्ट इन दैट बट राइट नाउ इज नॉट द टाइम फॉर दैट एंड आई एश्योर यू कि यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला ठीक है ठीक है बिल्कुल जरूरत नहीं है बिल्कुल जरूरत नहीं है सो so, मैं इसीलिए जानबूझ के आपको सिर्फ एनसीआर बेसिस ही चीजें करवा रही हूँ। ओके बच्चा जी ठीक है ना आ जाओ किस किस गंदे बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं करा <laughs> लाइक कर दो सेशन को ये तो हो गए तुम्हारी फैटी एसिड अब मैं तुम्हें बता देती हूं लिपिड्स ऑन द बेसिस ऑफ वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट द लिपर्ट ऑन दर मेल्टिंग पॉइंट वो मैं यहीं से बता देती हूँ यार बड़ी ही बेसिक सी बात है वो देखो यहाँ दिया हुआ कहा है कहाँ है कहाँ है जिंजली ऑयल ये रहा ये रहा देखो uh, <coughs>

घी मेरा फेवरेट घी मेरा फेवरेट बटर दीज आर ऑल फैट ये क्या ये फैट है क्योंकि ये नॉर्मल आपके क्या कहते हैं uh, क्या दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बटर कैसा होता है अंदर रख दिया तो जम जाएगा और फिर उसके बाद बाहर निकालोगे तो एकदम से तो नहीं पिघलता है ना यस yes. चलिए भाई लिपिड्स का भी हमने कर दिया है अंत एंड वी विल स्टार्ट विद न्यूक्लिक एसिड ठीक है न्यूक्लिक एसिड से शुरू करेंगे अब न्यूक्लिक एसिड से शुरू करेंगे मतलब न्यूक्लिक एसिड को भी खत्म करना है बेसिकली मेरा बोलने का मतलब ये है है ना अब न्यूक्लिक एसिड ना वैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले ही करवाया है अगर याद हो तो बट एनी वे देर आर स्टूडेंट्स जो पहली बार मेरे सेशन में आ रहे हैं तो हम शुरू से ही करेंगे चिंता न चिंता नहीं करनी है न्यूक्लिक एसिड ये चैप्टर भी बड़ा है है ना हिम्मत वाला काम कर दिया मैंने एक, एक चैप्टर को एक ही एक वन शॉट ही कराऊंगी बच्चे वन शॉट ही होने वाला है दिस इज गोइंग टू बी वन शॉट ओनली न्यूक्लिक एसिड कौन से आर एन एंड डीएनए। किससे बने हुए हैं किससे बने न्यूक्लियोटाइड का हेट्रोपोलीमर है हेट्रो पॉलीमर क्यों बोलते हैं हम क्या सारा का सारा डीएनए एक ही न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है चार तरह के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं उनसे बना हुआ है तो इसलिए हेटरो, हेटरो okay? yes. चल। ने, 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 कल नहीं होगा बच्चे आज ही होगा आज ही होगा आज ही होगा हेड्रोपोलीम ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कल के लिए मैंने तुम्हारा दूसरा चैप्टर रखा हुआ है देखो कल के लिए दूसरा चैप्टर है बच्चे आज ये होगा चलो इसमें क्या क्या आएगा यू विल हैव शुगर तीन चीज़ होएंगी इसमें शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप ये तीनों चीज मिलके क्या बनाती हैं न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं तीनों चीजें मिलकर क्या बनाएंगी न्यूक्लियो टाइड बनाती हैं ठीक है और अगर हम ये दोनों रखेंगे इफ वी कीप ओनली दीज टू तो हम बनाएंगे न्यूक्लियो साइड हम क्या बनाएंगे बच्चे न्यूक्लियो साइड बनाएंगे यस चलो ओके यू जस्ट मी वन आवर वन आर भी मैं शायद ज्यादा बोल रही हूं एक घंटा भी मैं ज्यादा बोल रही हूं मे बी थर्टी फाइव मिनट मुझे दे दो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और एक दिन में तुम्हारा तो चैप्टर खत्म हो जाएगा इससे अच्छी बात तो नहीं हो सकती कोई नहीं हो सकती ना ठीक है चल अब हमें देखना है कि नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हैं ठीक है नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हैं आ जाओ फटाफट से बच्चे ये तो सारे बच्चों के टिप्स पे होगा दो तरह के होते हैं नाइट्रोजन बेस कौन-कौन से हैं व्हाट डू वी हैव हियर वी हैव प्यूरीन्स ठीक है वी हैव पिरिमिडीन्स वी हैव पिरिमिडीन्स वी हैव प्यूरीन्स वी हैव पिरिमिडीन्स भाई किसके पास एक रिंग होती है और किसके पास दो रिंग होती है जिसके नाम बड़े उसके दर्शन छोटे इसके पास सिर्फ एक रिंग होती है और इसका नाम छोटा तो दर्शन बड़ा इसके पास दो रिंग्स होती हैं याद रखना और क्या-क्या है यहां पे यू हैव एडेनिन एंड होता है लेकिन thymine सिर्फ डी एन ए में मिलता है और यूरासिले तो बड़ी बेसिक बात थी हाँ यस yes, नीट वाली ये तो बहुत बेसिक बात थी हाँ शाहिद वेरी बेसिक वेरी बेसिक वेरी बेसिक मैम वेरी बेसिक एंड बच्चे <coughs> वैसे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में तो मैंने तुम्हें बहुत ही सारे डायग्राम बना बना के बताए हैं देखो ये क्या है कहाँ गया ये देखो दिस इज एडिन डायग्राम यू हैव टू मेमोराइज इट देर इज नो शॉर्टकट आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे डायग्राम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन इंपॉर्टेंट ठीक है स्ट्रक्चर ऑफ यूरासिल इंपॉर्टेंट मोलिकुलर बेसिस में मैंने आपको सब कुछ करवाया है ना ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है ये देखो प्यूरिन है तो दो रिंग्स हैं इसके पास पिरिमिडीन है तो इसके पास एक रिंग है ठीक है और ये देखो अगर हमने शुगर और एडिनिन मतलब शुगर और बेस को जोड़ा तो क्या बना एडिनोसिन ये क्या है व्हाट इज दिस दिस इज अ न्यूक्लियो साइड दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड सिमिलरली बच्चे क्या बना यूरिडीन विच इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोसाइड ठीक है विच इज अलियोसाइड लेकिन अगर मैंने तीनों चीजें जोड़ दी देखो दिस इज वॉट दिस इज नाइट्रोजन बेस दिस इज फॉसफेड दिस इज योर शुगर तीनों चीजों को जोड़ दिया तो मैंने क्या बनाया एडेनलिक एसिड वॉट इज दिस दिस इज अलियो टाइड ये क्या है न्यूक्लियोटाइड है तीनों चीजें मैंने जोड़ दी तो न्यूक्लियोटाइड बन गया ठीक है यस वेरी गुड चलो वेरी गुड डन आ जाओ ये हो गया अब देखो एक टेबल मैं बनवाने वाली हूं तुमसे वेरी इंपॉर्टेंट टेबल बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट टेबल जहां पे हम लिखेंगे न्यूक्लियोटाइड का क्या नाम होता है न्यूक्लियोसाइड का क्या नाम होता है फटाफट से बना लेते हैं आ जाओ ठीक है न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियो टाइड ओके okay. शायद मेरे पास ये टेबल पड़ा भी हो कहीं तो बट अभी मुझे दिखेगा नहीं एनी anyway, बना लेते आ जाओ एडेनिन प्लस शुगर गोनिन प्लस शुगर साइटोसिन प्लस शुगर ऐसे ही यूरासिल ये सब एडेनिन और शुगर मिलेंगे तो क्या बनेगा एडिनोसिन चैट में ना बिल्कुल एकदम आंसर आने चाहिए यस आंसर आने चाहिए ओके okay, चलो मैम मैक्सिमम बच्चे चले गए चले गए भी। जाने वालों को कौन रोक सकता है यार जाने दो जाने दो जाने दे, जाने दे थोड़ी दे थोड़ी हवा ने दे हवा भी तो आएगी ना फिर चलो ग्वेनोसिन देखो हम तो बिल्कुल रिलैक्स हो गए अच्छे से पढ़ा के जाने वाले हैं चाहे कोई रहे या ना रहे साइटिडीन ओके, वेरी गुड थाडीन भाई जो वादा करा है वो हम निभा के जाएंगे अगर बोला था वन शॉट है तो वन शॉट ही होगा यूरिडीन है ना यूरिडीन वेरी गुड वेरी गुड हाँ जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता और फिर अगर चले जाएं तो फिर जो मैम ने गाना गाया वो गा दो अब इसमें फॉस्फेट ऐड करते जाओ तो क्या बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा रे वाल को ठीक है यस कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनेगा एडिनिलिक एसिड एडिनिलिक एसिड गुआनिलिक एसिड ठीक है चलो भाई मेरे को पढ़ाने में मजा आता है चार बच्चा भी आएगा मैं तो पढ़ाऊंगी साइटिडिलिक एसिड है ना िक एसिड ओके एंड यूरीडिलिक एसिड वाल को हो गया देन सारे के सारे हो गया सारा लिखवा दिया अभी सब लिखवा दिए हैं हम अब तुम आ जाओ डीएनए के स्ट्रक्चर पे डीएनए का स्ट्रक्चर तो बच्चे रिवीजन ही है तुम्हारे लिए ठीक है, वॉट इज दैट दैट इज रिविजन ओनली फॉर यू डीएनए का स्ट्रक्चर मैं तुम्हें यहां से तो नहीं करवाना चाहती मैं खुद ही बनाऊंगी ये देखो ये रहा डीएनए का स्ट्रक्चर मैं खुद बनाती हूं इसको एंड देन आई मेक यू अंडरस्टैंड वॉटर ब्रेक चल चलो वॉटर ब्रेक ये देखो यश कितना खुश हो रहा है यश एकदम खुश मैम आप एनसीआर की लाइन टू लाइन कराते हो एनरोल क्यों नहीं हो रहा बच्चे एनरोल हो रहा होगा इट शुड बी वाई इज दिस मैं मैं भी देखती हूं मैं देखू जरा आपको अन एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है एनरोल हो जाएगा एनरोल हो जाएगा मेरा लिंक तो खुल रहा है है ना? चलो आ जाओ डीएनए का स्ट्रक्चर समझ लो आप डीएनए का स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें बनाने पड़ेंगे शुगर बना लिया शुगर ये लो अब शुगर तो सिर्फ अकेला काम नहीं करता ना डीएनए के स्ट्रक्चर में डीएनए के स्ट्रक्चर में और क्या होगा पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड बनाना है ठीक है पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड बनाना है हमें यहां पे बेस भी लगेगा ठीक है और यहाँ पे आपका फॉस्फेट भी लगेगा करेक्ट और बड़े ध्यान से सुनना आप बड़े ध्यान से सुनना मान लो यहाँ पे मैंने बेस लगा दिया ए एडिनोसिन वाला ठीक है एडेनिन वाला एडेनिन वाला ये आपका शुगर है बच्चे इसका नंबर आपको पता चाहिए नंबरिंग हम कर लेते हैं दिस इज फर्स्ट पोजिशन दिस इज सेकेंड दिस इज थर्ड दिस इज फोर्थ एंड दिस वन इज फिफ्थ यहाँ पे सी एच टू ओ एच जाएगा ना दिस इज फिफ्थ पोजिशन तो याद रखना ये वाली पोजीशन थर्ड एंड फिफ्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डीएनए के स्ट्रक्चर में ऑल राइट right, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड अभी बनानी है मैं बनाने वाली हूँ न्यूक्लियोटाइड जब मैं यहाँ पे ऐड करूंगी फॉस्फेट ग्रुप तो इसको थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ मैं ये फाइव है ठीक है यहाँ पे मैंने लगा दिया बच्चे फॉस्फेट ग्रुप अब ये बन गया है आपका न्यूक्लियोटाइड दिस इज योर वन न्यूक्लियोटाइड अब ऐसे मुझे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड चाहिए होंगे सिर्फ़ एक से तो काम नहीं चलने वाला एक से तो मैं डीएनए नहीं बना सकती तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगी क्योंकि मैं ये कर सकती हूँ और तुम देख लेना तुम क्या करोगे ठीक है आई रियली डोंट केयर ये मैंने दोनों को कॉपी पेस्ट कर लिया है कॉपी एंड यहाँ पे भी पेस्ट कर लेंगे तीन ले लेते हैं चलो तीन तो लेने ही चाहिए ना नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी तीन तो होने चाहिए हमारे पास तो हमने तीन ऐसे तीन न्यूक्लियोटाइड रख लिए हैं अब इन स, तीनों को जोड़ना है देखो इन तीनों को जोड़ना है अब जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं जोड़ने के लिए बच्चे यहाँ पे फॉस्फेट लगा फिफ्थ पोजीशन पे जो फॉस्फेट है वो आपके थर्ड पोजीशन वाले को अटैक करेगा द मोइटी द फॉस्फेट मोइटी विच इज प्रेजेंट एट द फिफ्थ पोजिशन इज गोइंग टू अटैक इज गोइंग टू ज्वाइन विद द थर्ड वन सिमिलरली यहां पर भी यही होने वाला है ये थोड़ा सा दूर चला गया इसको पास ले आते हैं ऐसे करके सिमिलरली यहां पर भी यही होगा देखो फिफ्थ वाले ने थर्ड को अटैक करा है तो एक चेन बन गई के नाई से एक चेन बन गई छोटी सी चेन बनी छोटी सी चेन बनी या नहीं बनी अब यार ऐसे बहुत बड़ी चेन भी बन सकती है मेरे पास इतनी जगह नहीं है यहाँ पे तो इमेजिन कर लेना कि यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे भी है और ऐसे ऐसे से करके वो चेन बनाते जा रहे हैं बट क्या चेन सिर्फ एक तरफ बनेगी दूसरी तरफ भी बनेगी दो होती हैं क्योंकि डी एन ए में चेन्स है ना तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करके दूसरी तरफ भी लेके जाने वाली हूँ तुम अपना देख लेना आप बच्चों अपना देख लेना ठीक है इसको पर मुझे रोटेट भी करना पड़ेगा I'll have to move it like this. क्योंकि अगर आपको पता ना हो तो आपकी ये चीन कैसी होती है ये चीन कैसी होती है एंटी पैरल होती है उल्टी हो जाएगी अरे ये तो ठीक था ये हटाना है बस यू जस्ट हैव टू मूव दिस वन ओके तो यहां पे भी अगेन नंबरिंग कर दो सबकी नंबरिंग कर दो वन दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज फोर एंड अगेन यहाँ पे आज का आ जाएगा नहीं 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 उल्टा कर दिया उल्टा कर दिया दिस इज वन बच्चे दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज फोर एंड दिस इज फिफ्थ तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा फॉस्पेट आ गया ठीक है अगर वहां पे ए था तो यहाँ टी लगाना पड़ेगा आपको बिल्कुल टी लगेगा यहाँ पे सो so, सिमिलरली मैं इसको और भी कॉपी पेस्ट करने वाली हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे भी तीन बनाने हैं पेस्ट एक और बार पेस्ट करना पड़ेगा पेस्ट ओके चलो इनको भी ठीक से प्लेस कर देती हूं सो दैट आपको समझ में आ जाए ये रहा ठीक है समथिंग लाइक दिस अब बच्चे हमने दूसरी चेन को भी उसी तरीके से बनाना पड़ेगा जिस तरीके से हमने पहली चेन को बनाया था, है ना? Mm. ना? तो यहां पे भी फिफ्थ पोजीशन वाला थर्ड को जाके अटैक कर रहा है फिफ्थ पोजीशन वाला ये थोड़ा सा दूर चला गया फिफ्थ पोजीशन वाला थर्ड को जाके अटैक कर रहा है तो एक चेन यहां पे भी बन गई यहां पे भी बनी एक चेन ठीक है एक चेन यहां पे भी बनी ओके okay, चलो अब दोनों को जोड़ भी दें अब यार हमेशा तो ए नहीं होगा ना कुछ और भी रखते हैं यहाँ पे सी और जी कर देते हैं इनका भी तो मन होगा यहाँ आने का तो तुम्हें पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे हम डालेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड ये दो से अटैच होते हैं दो लगा दो ये तीन से अटैच होते हैं तीन लगा दो और ये भी दो से अटैच होते हैं पूरी की पूरी तुम्हारी डीएनए ऐसे बनता है सो दिस इज वन चेन दिस इज़ अनदर चेन नाउ लेट्स राइट द बॉन्ड्स जो यहां पे बने यहां पे कौन सा बॉन्ड बना बच्चे बिटवीन द शुगर एंड द नाइट्रोजनस बेस आपका बनता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ठीक है ये याद रखना प्लीज ये क्या है ये है हाइड्रोजन बॉन्ड दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है चलो और ये क्या है ये क्या बना दिस इज योर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्योंकि दो तरफ बन रहा है एस्टर एक तरफ है दूसरी तरफ है तो दिस इज योर फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड यह तुम्हारा क्या बन गया फॉसफो डाइएस्टर बॉन्ड बन गया है बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड ओके अच्छा अब इस चेन की पोलैरिटी बताओ क्या है यहां पर कौन सा फ्री दिख रहा है तुम्हें फाइव प्राइम फ्री दिख रहा है तो इस चेन की पोलैरिटी क्या हो जाएगी फाइव प्राइम यहां देखो क्या चीज फ्री दिख रही है दूसरे एंड पे थ्री प्राइम तो ये हो जाएगा थ्री प्राइम एंड सिमिलरली बच्चे यहां पे फाइव प्राइम फ्री है तो ये फाइव प्राइम और यहां पे थ्री प्राइम फ्री है तो ये थ्री प्राइम तो हो गया उल्टा हुआ उल्टाटी फाइव थ्री थ्री फाइव दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए अगर एक बारी में किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो प्लीज इसको दोबारा से देखना जो भी चीजें मैंने आपको बताई है ठीक है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अब डीएनए के बारे में जो आपके मेन पॉइंट्स हैं ना सेलियंट फीचर्स हैं उसको हम यहां से कर लेते हैं दे देखो यहां देखो ना सेलियंट फीचर्स ये क्या है आपका दिस इज द मैं यहां पर हाईलाइट करवा रही हूं दिस इज द फेमस वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ठीक है इसके अकॉर्डिंग यू हैव डबल हेलिक्स और आपकी जो चेन है वो कैसी है एंटी पैरल है ऑपोजिट डायरेक्शन में है. एक फाइव प्राइम टू थ्री है तो दूसरा थ्री टू फाइव है ठीक है चलो ओके नेक्स्ट बैकबोन किस चीज से बना है बच्चे शुगर एंड फॉस्फेट से बना हुआ है बैकबोन किससे बना बना है से बना हुआ है एंड से हुआ ए टी के साथ बॉन्ड करता है जी सी के साथ बॉन्ड करता है ओके okay, चलो ये देखो लिखा हुआ है ना दो हाइड्रोजन बॉन्ड ए और टी के बीच में है तीन सी और जी के बीच में है ओके okay, अब आपका जो ये हेलिकल स्ट्रक्चर है ठीक है ये कैसा है कितने डिग्रीज पे ये टर्न होता रहता है ये टर्न होता रहता है बच्चे 36 डिग्रीज पे मतलब ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा टर्न होगा ना तभी तो पूरा का पूरा चक्कर काटेगा तो 36 डिग्रीज पे ये टर्न होता रहता है एक जो आपका टर्न है पूरा का पूरा जो टर्न कर जाता है ऐसे करके उसको बोलते हैं पिच ऑफ द डीएनए कितना होता है वो थर्टी फोर होता है वॉट इज द वैल्यू फॉर दैट थर्टी फोर एमस्टॉन होता है Yes, बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी चलो जी द राइज पर बेस पेयर वुड बी अच्छा अब एक बात तुम बताओ मुझे कि आपका आपके आप आपने यहां से शुरू करा एंड आप ऐसे करके exactly उसी पोजीशन पे आ गए ठीक है ये पूरा जो आपका डिस्टेंस था वो कितना था थर्टी फोर एमस्टॉन था इस डिस्टेंस में बच्चे आपके दस यू हैव टेन बेस पेयर ठीक है अगर डिस्टेंस थर्टी फोर एनस्टॉन है और उसमें दस पेयर आ रहे हैं तो एक बे, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा दस से डिवाइड कर दो इट इज गोइंग टू बी थ्री पॉइंट फोर एनस्ट्रॉन ठीक है दिस इज गोइंग टू बी थ्री पॉइंट फोर एनस्ट्रॉन एंड दीज आर दिलियन फीचर्स ऑफ योर बी डी एन एस से ज्यादा और डिटेल में आप मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते हो तो आप वहां जाके इसके ऊपर मेरा उसका लेक्चर भी पढ़ा होगा वो भी देख सकते हो बट फॉर दिस चैप्टर जितना यहां पे दिया हुआ है मैंने वो बता दिया आपको ठीक है ना अभी आगे बढ़ते हैं जल्दी 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 इंजाइम वाला पोर्शन सो वी आर डन विद दिस पार्ट अब बच्चे डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म मैं यहीं से करवा देती हूँ आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होता है मेटाबॉलिज्म क्या है जितने भी केमिकल रिएक्शन आपके शरीर में हो रहे हैं दैट इज मेटाबॉलिज्म वो टूटने वाले भी हो सकते हैं एनाबॉलिक भी हो सकते हैं कैटाबॉलिक भी हो सकते हैं मतलब कोई चीज बन रही हो सकती है कोई चीज टूट रही हो सकती है ठीक है ना ओके एंड वॉट इज टर्न अच्छा यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ टर्न ओवर टर्न ओवर क्या होता है कितने बायोमोलिक्यूल्स आपका बॉडी बना पा रहा है कितने बायोमोलिक्यूल्स आपका बॉडी बना पा रहा है ठीक है कितनी देर में दैट इज टर्न ओवर जब वो तो ना बिजनेस की बात करते ना बिजनेस की बात करते हैं इस साल का टर्न ओवर कितना था मतलब इस साल तुमने कितने पैसे बनाए तो वैसे ही भाई तुमने कितने बायोमोलिक्यूल्स बनाए इज योर टर्न ओवर और कॉन्स्टेंटली चीज़ें बदलती रहेंगी बदलती रहेंगी है ना चलिए ये हो गया आ जाओ देखो ये रही ये रही आपकी रिएक्शंस दिस मेटाबॉलिक फ्लो इज कॉल्ड डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट अगर आपके बॉडी में चीजें टूट रही हैं और बन रही हैं, इसका मतलब आप जिंदा हो जीवित हो नहीं तो यू आर डेड मरे हुए हो <coughs> ठीक है मतलब आप कहाँ बढ़ रहे हैं एंजाइम्स की तरफ बढ़ रहे हैं कौन कैटेलाइज करेगा एंजाइम कैटेलाइज करते हैं किस चीज से बने हैं प्रोटीन से बने ओनली वन इज देयर विच इज नॉन प्रोटीनेशियस राइबोजाइम ठीक है सिर्फ एक है वो क्या है राइबोजाइम है ओके okay? चलो अब आ जाओ मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग क्या क्या हो सकता है मेटाबॉलिज्म में या तो एनाबॉलिज्म हो सकता है या कैटाबॉलिज्म हो सकता है या तो चीजें खटखट कट, खटखट कट, कट, कट. कटेंगी कट जाएंगी टूटेंगी कैटाबॉलिज्म या फिर चीजें बनेंगी एनाबॉलिज्म ओके okay, बच्चे एंड जितनी भी एनर्जी है ठीक है वो हम किस चीज के किस फॉर्म में बचा के रख रहे हैं इट इज़ सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ एरिनोसिन ट्राई फॉस्फेट ठीक है और जो आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ना वो स्टेप वाइज होते हैं आहिस्ता 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 टूटता है जैसे कि दस स्टेप में आपका ग्लाइकोलिस होता है और ग्लूकोज आपका दस स्टेप में टूटता है ये ये जो पैराग्राफ है ना इन पैराग्राफ में जो चीज़ मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना वहीं से क्वेश्चन बनेंगे एक बार पढ़ लेना लेकिन जो पैराग्राफ का निचोड़ है वो यही है यहाँ पे इधर उधर की बातें ज्यादा करी है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो बिल्कुल ट्रैफिक की तरह होती हैं कि एक इधर से आ रही है दूसरी इधर से आ रही है मर्ज भी हो सकती हैं ठीक है थीके? अलग अलग स्ट्रक्चर भी बना सकती हैं ओके okay? हाँ सो so, जो मैं लिख रही हूँ वो वही आपको फोकस करना है अब आ जाओ लिविंग स्टेट पे बच्चे लिविंग स्टेट में क्या बोल रहे हैं एक चीज याद रखोगे लिविंग स्टेट में कि अगर आपके बॉडी ने इक्वी मेंटेन कर लिया तो आप मर गए ठीक है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है डेथ ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है डेथ यू डोंट वांट टू डाई तो आपकी बॉडी क्या करेगी कॉन्स्टेंटली आपकी बॉडी कोशिश कर रही है कि इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन करना ठीक है तो हेंस द लिविंग स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क अगर इक्विलिब्रियम पहुंच गया ना मतलब तुम्हारी बॉडी बोल रही है कि बस अब मैंने जितने प्रोटीन बनाने ना बना लिए अब मैं प्रोटीन नहीं बनाऊंगी जितने भी मैंने यू नो you know, जो भी एंजाइम बनाने थे बना लिए अब मैं नहीं बनाऊंगी तो क्या तुम जिंदा रहोगे नहीं मर जाओगे इसलिए आपकी बॉडी में चीज़ें टूटती रहेंगी बनती रहेंगी टूटती रहेंगी बनती रहेंगी सो यू हैव टू बी इन अ कॉन्स्टेंट नॉन लिविंग सॉरी नॉन लिविंग बोल रही हूँ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट इफ़ यू वॉन्ट टू सरवाइव अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको इक्विलिब्रियम नहीं पहुँचने का है जी ठीक है चलो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके ब्लड में जो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन होता है हेल्दी में कितना रहता है टू फोर पॉइंट टू मिलीमोल टू पर लीटर टू सिक्स पॉइंट वन ये याद रखें ना यार दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है क्योंकि यहाँ पे ये आपका वैल्यू दिया हुआ है अब आ जाओ भी एंजाइम्स के ऊपर ठीक है अब आ जाओ तुम एंजाइम के ऊपर अब हम एंजाइम के बारे में ही सारी वार्तालाप करने वाले हैं यू जस्ट गिव मी थोड़ा सा टाइम एंड विल बी डन विद एंजाइम्स ठीक है चलो सिर्फ एंजाइम रह गया अब इस चैप्टर में ओके चलो आ जाओ भाई एंजाइम्स में खुद लिखवाती हूं तुम्हें एंजाइम्स क्या है एंजाइम्स है बायो अच्छा यही यह, कुछ चीजें यहां से देख लेते हैं चलो इंपॉर्टेंट वाली लाइन में यहां हाईलाइट कर देती हूँ सारे एंजाइम प्रोटीन हैं, ठीक है लेकिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है वो है प्रोटीन हैज प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज अमीनो है इनके पास ये भी प्राइमरी स्ट्रक्चर पे काम नहीं करेंगे इनके भी अपने अपने अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे जैसे कि देखो यू नो कहा गया ये सेकेंडरी एंड टर्शरी बन रहा है मोस्टली टर्शरी में ही काम करेंगे मोस्टली ये बच्चे कहाँ काम करेंगे टर्शरी में ही काम करेंगे और इनकी एक्टिव साइट बनती है ये रे कैसे ये देखो एक एंजाइम ना ऐसे ऐसे करके फोल्ड हो जाएगा एक एंजाइम क्या करेगा ऐसे ऐसे करके फोल्ड हो गया फोल्ड हुआ प्रोटीन ही तो है अब तुम यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे कुछ खाली जगह रह गई पॉकेट बन गई दिस पॉकेट इज दिस पॉकेट इज द एक्टिव साइट यही तुम्हारा एक्टिव साइट है यहीं पे जाके कौन जुड़ेगा सबस्ट्रेट जुड़ने वाला है ठीक है सबस्ट्रेट जुड़ने वाला है Done? है ना चलो यहीं पे सबस्ट्रेट जुड़ता है और मैं आपको अब ये यह यहां पे बता देती हूँ कैसे सबस्ट्रेट जुड़ेगा क्या क्या आपकी फॉर्म्स बनती हैं ये देखो मान लीजिए ये एक एंजाइम है अस से दिस इज वन एंजाइम ये ये एंजाइम है और एंजाइम की यह है एक्टिव साइट यह क्या है एक्टिव साइट अभी एक एक एक्टिव साइट में जाके सबस्ट्रेट जुड़ जाता है, क्या? ये क्या? ये है तुम्हारा एंजाइम और यह है तुम्हारा सबस्ट्रेट दोनों जुड़ गए ठीक है दोनों जुड़ गए तो यह क्या बनाएंगे यह बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट एंड एंजाइम प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी बनना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है लेकिन अभी ना सारी चीजें बीच में ही है कुछ डेफिनेटली नहीं बना इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल स्टेज ये क्या है अनस्टेबल स्टेज विच इज क्या है ट्रांजियंट इसको हम और क्या बोलते हैं ट्रांजियंट स्टेज भी बोलते हैं दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजियंट स्टेज और क्या बोला जाता है ट्रांजिएंट स्टेज भी बोला जाता है क्योंकि ये बदल जाएगी ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है बदल जाएगी ओके okay, नाउ अब आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा एंजाइम एंड प्रोडक्ट बन जाएगा अब यहां से बच्चे प्रोडक्ट तो अलग हो लेगा एंजाइम को तुम तो फिर से यूज कर सकते हो फॉर अनदर राउंड ये आ गया आपका एंजाइम ठीक है दिस कैन बी यूज फॉर अनदर राउंड ऐसा नहीं होता कि एंजाइम एक बार यूज हुआ बस उसके बाद यूज नहीं हो सकता बिल्कुल यूज हो सकता है दिस इज वॉट दिस इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये क्या है ये है आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ठीक है चल इतनी बात समझ में है कि एंजाइम्स और आपके जो ये सबस्ट्रेट हैं कैसे काम करेंगे क्या ये बात सबको क्लियर हुई अच्छा देखो अब ये बोल रहे हैं कि आपकी जो रिएक्शंस है ना वो इनऑर्गेनिक भी हो सकती हैं जैसे कि ये है है ना ऑर्गेनिक भी हो सकती हैं जैसे कि यहाँ नहीं दी है कहाँ है यहाँ नहीं है ऑर्गेनिक भी हो सकती है जैसे कि ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन तुम कितनी पढ़ते हो वही स्टार्च प्लस वाटर हाँ ग्लूकोज बना दिया इससे अगर ये क्या है दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो तुम पढ़ रहे हो सारी वो सारी वही है राइट यस ब्रो यस ब्रो ओके चलो अब हमें देखना है कि वॉट इज रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है दिस इज वॉट दिस इज कितनी स्पीड से तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है और कितने टाइम पे कितनी स्पीड पे तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है कितने टाइम में दैट इज नोन एज द रेट ऑफ रिएक्शन इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे और पीएच पे और सबस्ट्रेट का क्या कॉन्सेंट्रेशन <coughs> है उसके ऊपर तीन चीज के ऊपर ही डिपेंड करेगा यहाँ पे अपन ने कहा गया ये रहा ये सब मैं करवाती हूँ अभी आपको ठीक है अच्छा एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल है जिस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है दैट इज जस्ट टू शो यू की एंजाइम्स कितने ज़्यादा अमेजिंग होते हैं ये एंजाइम हमने पढ़ा था बॉडी फ्लूड एंड सर्क्यूलेशन में पढ़ा था नहीं हमने बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन में था ये एंजाइम इसका क्या काम था ये एंजाइम आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के कार्बोनिक एसिड बनाता है और उल्टी भी रिएक्शन कर सकता है उल्टी रिएक्शन भी कर सकता है बच्चे अगर आपके पास ये एंजाइम नहीं है तो कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं सिर्फ दो सौ मॉलिक्यूल बन रहे हैं लेकिन अगर आपके पास ये एंजाइम है इफ यू हैव कार्बोनिक एनहाइड्रेज तो आप बना पा रहे हैं छ लाख मॉलिक्यूल्स इन वन सेकेंड पहले 200 सौ मॉलिक्यूल बन रहे थे एक घंटे में ये एग्जाम्पल याद रखने का है कार्बोनिक एनहाइड्रेट सी ए इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कि एंजाइम कैसे आपकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं ठीक है कैसे यही एंजाइम अगर आपके पास नहीं है तो 200 सौ मॉलिक्यूल बन रहे थे एक घंटे में बट अगर आपके पास ये एंजाइम है तो कितने मॉलिक्यूल छः लाख इन वन सेकेंड देख रहे हो कितना डिफरेंस है देर इज अ लॉर्ड ऑफ डिफरेंस देर इज अ लॉर्ड ऑफ डिफरेंस ओके चलो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो मल्टीपल केमिकल रिएक्शन होते हैं मल्टी स्टेप होते हैं जैसे कि ग्लूकोज से पायरोविक एसिड बनाने में कितने स्टेप लग जाते हैं दस टेन स्टेप्स ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता आता आहिस्ता एनर्जी रिलीज करें एकदम से नहीं कर सकते सेल ब्लास्ट थोड़े ना करवाना है ठीक है एकदम से नहीं कर सकते अब आ जाओ हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्शन दिस आई विल टेक अप हियर ये मैं यहाँ करवाने वाली हूँ आपको ठीक है क्या क्या चीजें हैं जिसके ऊपर द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स या कैसे आपका एंजाइम इसको चेंज कर देता है चल सबसे पहले हम बात करेंगे सबस्ट्रेट की या फिर सबसे पहले हम टेम्परेचर और पीएच की बात करेंगे सबसे पहले हम टेम्परेचर और पीएच की बात करेंगे चलो आ जाओ टेम्परेचर एंड पीएच कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर सकता है टेम्परेचर ठीक है टेम्परेचर अगर तुमने डबल कर दिया सॉरी अगर तुमने दस डिग्री बढ़ा दिया तो आपका रेट हो जाएगा डबल उसके बाद तुमने सोचा कि चलो मैम इससे डबल और डबल और भी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं उसके बाद इंक्रीज करो फर्दर इंक्रीज करा तो एंजाइम ही डिग्रेड हो जाएगा आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंजाइम डिस्ट्रॉयड एंजाइम खत्म बिल्कुल खत्म ठीक है चलो बिल्कुल खत्म अब अगर मैं बोलूँ कि नहीं भाई मैं ना कम करके देखती हूँ माइनस टेन डिग्री करके देखती हूँ है ना तो हमने देखा कि हाफ हो गया टेम्परेचर कम करा तो हाफ हो गया तुमने सोचा कि अच्छा और भी ज्यादा कम करते हैं और भी ज्यादा डिक्रीज करते हैं तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा इतनी ठंडी में एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा हो गया ये हो गया टेम्परेचर का असर ऐसे ही पी का भी असर होता है ठीक है जैसे कि अच्छा यहां पर जैसे कि टैक पॉलीमरेज की अगर मैं एग्जाम्पल दे दू तुम्हें फॉर एग्जाम्पल टैक पॉलीमरेज कुछ एंजाइम बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं टैक पॉलीमरेज 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है ये कहां यूज करते हैं हम यूज इन पीसीआर बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर हमारा हो चुका है यूज इन पीसीआर और ये किससे मिला था हमें किससे मिला था थर्मासेटिक मिला था थर्मस एक्वाटिकस से मिला था है ना? विच इज अ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया थर्मोफिलिक बैक्टीरिया दिस इज अ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है ना चलो जल्दी करो मैम भूख लगी है, भाई जल्दी नहीं कर सकते ऐसे अगर बोला है कि आराम से डिटेल लेक्चर करवाऊंगी तो वही करवाऊंगी ना बच्चे ये लो ये रहा तुम्हारा टेम्परेचर का इफेक्ट एंड ये रहा तुम्हारा पीएच का इफेक्ट देखो टेम्परेचर और पीएच ऑप्टिमम होना चाहिए दिस इज ऑप्टिमम पीएच दिस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम ज्यादा हो रहा है दिस इज वॉट दिस इज ऑप्टिमम ये ऑप्टिमम पीएच है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है ज्यादा हुआ कम हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डगमगा गया देख रहे हो तुम ऐसा नहीं कि पीएच ज्यादा कर दिया तो बस बढ़ ही रहा है कम हो रहा है यहां पे भी पीएच अगर कम कर दिया तो ज्यादा हो रहा है नहीं कम हो रहा है मैक्सिमम इधर है मैक्सिमम इधर है ये क्वेश्चन आ चुका है दिस इज पी वाई क्यू इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ना इंपॉर्टेंट है अब आ जाओ तुम सबस्ट्रेट का क्या रोल है ठीक है सबस्ट्रेट का क्या रोल है वॉट इज द रोल ऑफ सबस्ट्रेट इन मेंटेनिंग योर स्पीड पे स्पीड से कैसे तुम्हारा सबस्ट्रेट अफेक्ट कर रहा है देखो मान लो ये तुम्हारे एंजाइम है दीज आर ऑल एंजाइम अस से दीज आर ऑल एंजाइम्स ये सारे के सारे एंजाइम्स हैं इस टाइम पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारा सबस्ट्रेट ये है दिस इज द सबस्ट्रेट ये सबस्ट्रेट यहां जाके लग गया दो ही सबस्ट्रेट लगे तो तुम्हें प्रोडक्ट मिला बहुत ज्यादा नहीं मिला ठीक ठीक मिला तुमने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया ये लो तो तुम्हें और भी ज़्यादा प्रोडक्ट मिलना शुरू हो गया तुमने बोला अरे सबस्ट्रेट ना ऐड करते जा रहे हैं तो प्रोडक्ट मिलता जा रहा है फिर तुमने और ऐड कर दिया सबस्ट्रेट फिर आपको और भी ज़्यादा प्रोडक्ट मिला और तुम पागल हो गए तुमने सोचा कि सबस्ट्रेट ऐड कर करके ना प्रोडक्ट ज़्यादा मिल रहा है तो और ऐड कर देते हैं ये लो और तुमने ऐड कर दिया बच्चे लेकिन क्या अब सबस्ट्रेट के ऐड करने से आपका प्रोडक्ट आपको मिलेगा नहीं मिलेगा जैसे तुम बोलते हो ना मैम सैचुरेशन हो गया बोलते हो ना तुम सैचुरेशन हो गया मतलब मैं तुम फिर उस टाइम पे मैं कुछ भी बोलती रहूं तुम तुम्हें ऐसे हो जाएगा कि नहीं जा रहा दिमाग में नहीं जा रहा वैसे ही एंजाइम का भी सैचुरेशन हो जाता है ठीक है इस केस में यहां पे ऑल एंजाइम्स आर सैचुरेटेड सारे एंजाइम कैसे सेचूरेटेड हैं और सारे के सारे एंजाइम अगर सेचूरेटेड हो जाएंगे तो तुम कितना भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर लो आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा ठीक है आपने सबस्ट्रेट ऐड करा सबस्ट्रेट आप ऐड करते जा रहे हो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो प्रोडक्ट मिलेगा नो प्रोडक्ट नो न्यू प्रोडक्ट क्यों क्योंकि भाई सब बंद हो चुका है सेचुरेशन हो चुका है ठीक है सेचुरेशन हो चुका है लेकिन तुम्हें अपने सेचुरेशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा अगर तुम ये नाटक करोगे ना अरे मैम अब नहीं समझ में आ रहा बहुत टाइम हो गया है दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू है ना वो आपको हेल्प नहीं करेगा अच्छा ही हो गया ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ स्टेप वाइज ये मैं आपको बता चुकी हूँ ये वाला जो ये जो चार पॉइंट्स लिखे ना बच्चे ये मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया है अब इस डायग्राम पे आ जाओ वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम यहीं से समझा देती हूँ मैं तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन ही दिया हुआ यहाँ पे तुम्हें देखो मैक्सिमम कब हुआ यहाँ पे जाके मैक्सिमम हो गया ना रेट ऑफ रिएक्शन तो हम इसको क्या बोल रहे हैं वी मैक्स रेट ऑफ रिएक्शन में जब आपको डायरेक्शन भी पता हो ना तो आप उसको वेलोसिटी बोलते हो ठीक है रेट ऑफ रिएक्शन पता है और आपको डायरेक्शन भी पता है तो आप इसको वेलोसिटी बोलते हो तो यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है ठीक है मैक्सिमम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी तुम बोल सकते हो मैक्सिमम है अब अगर मैं बोलूं ये तो मैक्सिमम हो गया इसका आधा बच्चों वी मैक्स बाई टू बोल सकती हूँ वी मैक्स लेट अस से मान लो मैं कोई एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले लेती हूं यहां पे जो आपका रेट चल रहा है वो फिफ्टी चल रहा है मान लो तो यहाँ क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव हो जाएगा क्योंकि मैंने यहां आधा कर दिया है ना तो फिफ्टी का आधा ट्वेंटी फाइव हो गया तुम्हें तो अगर मैं वी मैक्स बोल रही हूँ तो इसको इसको मैं क्या बोल सकती हूँ वी मैक्स बाई टू बोल सकती हूँ इफ दिस वैल्यू इज इफ दिस वैल्यू इज फिफ्टी एंड दिस इज ट्वेंटी फाइव तो मैं इसको वी मैक्स बाई टू बोल सकती हूं ना यस yes, बोल सकती हूँ बिल्कुल बोल सकती हूं ठीक है चलो यस ओके नाउ व्हाट इज के एम अब यहां पे एक चीज दी है के एम के एम क्या है मिकलिस कांस्टेंट है ये क्या होता है इसको हम बोलते हैं मिकलिस कांस्टेंट इसको बोला जाता है मिकलिस ये शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो मिकलिस कांस्टेंट बोलते हैं इसको ये क्या है व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस दिस इज बच्चे किसी ना किसी कंसंट्रेशन पे तो आपका जो स्पीड है वो जाके मैक्सिमम हो ही रहा होगा ठीक है मैं आपने आपको थोड़ा सा छोटू कर लेती हूं आपको यह समझाने के लिए देखो इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट आपका जो भी कॉन्सेंट्रेशन है मान लो यहां पे 200 सौ कॉन्सेंट्रेशन है जो सबस्टेट है उसका कॉन्सेंट्रेशन 200 है मान लो तो इस पॉइंट पे जाके आपको मैक्सिमम रेट मिल रहा था है ना वी मैक्स पे अगर मैं देखूं कि मेरा कंसंट्रेशन क्या है वो आधा नहीं होगा वो आधा नहीं होगा यहाँ पे कंसंट्रेशन आधा नहीं होगा ठीक है अगर तुम वी मैक्स कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन आधा नहीं होता है प्लीज लिसन टू तो मी वो वाला कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे मेरा वेलोसिटी आधी हो गई है रेट आधी हो गई है उसको मैं बोलती हूँ मेकलिस कॉन्सटेंट ठीक है उसको मैं बोलती हूँ माइकलिस कांस्टेंट तो देखो यहाँ पे मेरी वेलोसिटी आधी थी तो मैंने देखा कि किस कंसंट्रेशन पे मेरी वेलोसिटी आधी हुई उसको मैंने बोल दिया माइकलिस कांस्टेंट मैं यहीं पे लिख भी देती हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइकलिस कांस्टेंट द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट व्हिच एट व्हिच रेट इज हाफ ठीक है रेट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज हाफ ठीक है ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू मतलब मैं वी मैक्स बाई टू की बात कर रही हूं वी मैक्स बाई टू की बात कर रही हूं तो इस विलॉसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको मैं के एम बोलती हूँ मिकलिस कॉन्स्टेंट बोलती हूँ इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबडी बोलो क्या ये समझ में आया बच्चे बताओ 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 ये वाली बात समझ गई मिकलिस uh, मिकलिस कॉन्स्टेंट समझ में आया ये सर नो येस सर नो बोलो मैम मेरा नाम डिंकी है ओके डिंकी यस क्लियर ओके गुड जॉब बच्चों ठीक है ना चलो ये बड़े इंपॉर्टेंट थे ये डन एंड डस्टेड नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग वेयर इज एक्टिवेशन एनर्जी वाला डायग्राम कहाँ है वो ये रहा इधर आ जाओ एक्टिवेशन एनर्जी पे आ जाओ ये ये तुम्हारा पीवाई क्यू है दिस इज योर पीवाई क्यू इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं रे बोला जाता है कि जब हम इंजाइम को यूज करते हैं ना तो अपनी जो क्या कहते हैं रिएक्शन है वो बहुत जल्दी होती है क्यों होती है और एनर्जी भी कम लगती है क्यों लगती है क्योंकि द एंजाइम इज गोइंग टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी वॉट इज एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी दैट यू नीड टू स्टार्ट अ पर्टिकुलर रिएक्शन एक रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो एनर्जी चाहिए ठीक है एक रिएक्शन को करवाने के लिए एक्चुअली करवाने के लिए एक रिएक्शन को करवाने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी तो देखो तुम जब आप एंजाइम नहीं यूज़ कर रहे हो यू आर नॉट यूजिंग एनी एंजाइम तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी ज़्यादा है बाप है बहुत ज़्यादा है लेकिन जब आपने एंजाइम को यूज़ करा तो एक्टिवेशन एनर्जी उसने कितनी कम कर दी और इसीलिए वो जल्दी 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 काम करता है इसलिए वो फटाफट से काम करता है कम एनर्जी में बहुत सारा काम कर देता है अब एक क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि क्वेश्चन क्या आया था यहाँ पे ये आया था कि इसको हटा दिया था ये भी हटा दिया था और इन्होंने पूछा था बताओ ये क्या है ये किसकी एक्टिवेशन एनर्जी है और ये किसकी है तो जो कम वाली होगी वो कब होगी जब आप एंजाइम नहीं सॉरी जब आप इंजाइम यूज़ कर रहे हो क्योंकि वो कम कर देगा ठीक है आपके पैसे कम खर्च होंगे यार अगर आप यूज़ करोगे इसको से देखो सेम एग्जाम्पल मैं तुम्हें दूँ तो इट इज़ लाइक कि जैसे कि जब आप क्वेश्चन अपने आप प्रैक्टिस करते हो या फिर जब आप एक चैप्टर अपने आप पढ़ोगे तो वो चैप्टर उतनी जल्दी नहीं होगा उतने डिटेल में जब आप मेरे साथ आके पढ़ लोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है ना जब आप मेरे साथ आके पढ़ते हो अकेले पढ़ोगे तो बच्चे उसी चीज़ में आपको तीन गुना चार गुना टाइम लग जाता है चाहे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात हो चाहे वो चैप्टर को कम्प्लीट करने की बात हो सो आई एम लाइक योर एन्जाइम आई एम लोअरिंग योर एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हारी एनर्जी बता रही हूँ अपनी मेरी बहुत सारी एनर्जी लग जाती है वो अलग बात है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर नाउ एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जब सबस्ट्रेट आपका इस लेवल पे है और प्रोडक्ट आपका इस लेवल पे है। देखो सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा थी प्रोडक्ट की कम होगी दैट मीन्स यहां से एनर्जी निकली है रिलीज हुई है एनर्जी एनर्जी रिलीज हुई है तो ये कैसी रिएक्शन है यार एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्जो थर्मिक रिएक्शन और अगर उल्टा हो जाए प्रोडक्ट आपका यहां पहुंच जाए तो दैट विल दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन समझे कि नहीं समझे ठीक है चलो आगे बढ़ा जाए रे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की बात कर ली अच्छा और इनहिबिटर भी आ जाते हैं कभी कभी ठीक है इनहिबिटर आ जाते हैं ये लो ये रे जो एंजाइम को शट ऑफ कर देते हैं वैसे तो इनहिबिशन दो तरह का होता है कंपिटेटिव भी होता है नॉन कंपिटेटिव भी होता है आपकी किताब में सिर्फ कंपिटेटिव दिया है तो आप वही करिए कंपिटेटिव में क्या होता है कंपिटिटिव uh, में बच्चे यू विल हैव मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देती हूं इधर बनाती हूँ चलो ये वाली जो इनहिबिशन है इसमें क्या होता है ये वाली जो इनहिबिशन है इसमें ये होता है कि ये है आपका एंजाइम ये है एंजाइम की एक्टिव साइट ये क्या है एक्टिव साइट जो हमने बनाई थी ना अभी कुछ देर पहले थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि वो अपना स्ट्रक्चर ऐसे फोल्ड हो जाता है यानी पॉकेट बना लेता है दैट पॉकेट इज नोन एज एक्टिव साइट आइडियली इस एक्टिव साइट पे जाके किसको लगना चाहिए किसको लगना चाहिए सबस्ट्रेट को लगना चाहिए बट सबस्ट्रेट नहीं लग पाता है यहाँ पे सबस्ट्रेट की जगह बच्चे कोई और कोई और जाके लग जाता है जो उसका उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसका उसको हम बोलते हैं इनहिबिटर सो आइडियली यहां पे क्या लगना चाहिए था सबस्ट्रेट लगना चाहिए था दिस वॉज द सबस्ट्रेट ये है ना जिसमें फिट हो जाता है लॉक एंड की की तरह लॉक एंड की हाइपोथेसिस होता है ना हमारा बट <coughs> ये नहीं हमारा आ गया इनहिबिटर देखो इनहिबिटर दिस इज इनहिबिटर इनहिबिटर को थोड़ा अलग बनाते हैं बट दिस वाला पार्ट इज गोइंग टू रिमेन द सेम ये क्या है ये ग्रीन वाला जो मैंने बताया दिस इज इनहिबिटर यहां लग जाता है इसकी एक्टिव साइड पे. पे लग गया एक्टिव साइड को ब्लॉक कर दिया अब ब्लॉक कर दिया तुम्हारा एंजाइम किसी काम का नहीं रहा ये कुछ नहीं कर पाएगा अगर सब्सडेट ही नहीं आएगा इसके पास तो ये प्रोडक्ट कैसे बनाएगा नहीं बना पाएगा ना इसी को हम बोलते हैं कंपिटेटिव इनहिबिशन और इसका एग्जाम्पल तुम्हारा पीवाई है ये आ चुका है एग्जाम्पल इज वॉट इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस बाई मेलोनेट इज योर पी वाई क्यू ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है रे बाबा याद रखना कौन कर रहा है इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिकीहाइड्रोजिनेस बाई मेलोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपिटिटिव इनिबिशन एंड ऑल्सो कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन जो आप कर रहे हैं ना एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं वो भी क्या हैं वो भी तुम्हारा किसका एग्जाम्पल है कंपिटेटिव इनहिबिशन का ही एग्जाम्पल है ठीक है चलो डन ओके okay. आगे बढ़ते एक्टिवेशन एनर्जी बता दिया क्लासिफिकेशन चलो क्लासिफिकेशन तो यहीं से हो जाएगा बड़ा आसान है क्लासिफिकेशन, उसके बाद अंत वाला जो एक टॉपिक है ना बच्चे उससे क्वेश्चन पक्का आता है तो लास्ट वाला टॉपिक मिस नहीं करना है बिल्कुल नहीं मिस करना है चलो आ जाओ ऑक्सीडोरिडक्टेज डीहाइड्रोजिनिज ऑक्सीडो रिडक्टेज, डीहाइड्रोजिनेस ये देख रहे हो अरे ये बिल्कुल वाइट वाइट हो रहा था मैं इसको ठीक करने का कोशिश कर रही थी एंड मैं तो बिल्कुल ग्रीन ही हो गई ग्रीन पीछे से हाँ चलो ऑक्सीडो रिडक्टेज डीहाइड्रोजनेस क्या करेंगे क्या काम होगा इनका ऑक्सीडो रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाएंगे ठीक है इनका काम क्या होगा ऑक्सी और ये कहा मिलेंगे मुझे भर भर के रेस्पिरेशन में ठीक है रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में मुझे भर भर के मिलेंगे ट्रांसफरेज क्या कराएंगे बच्चे एक ग्रुप को ट्रांसफर कराएंगे ठीक है दे विल ट्रांसफर वन ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट हाइड्रोलेजिस का क्या काम है हाइड्रोलेसिस कराएंगे किसी भी चीज का करा सकते हैं एस्टर का इथर का पेप्टाइड का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स तोड़ देंगे ठीक है इसको तोड़ देंगे जी हेलाइड को आ, आपके फॉस्फोरस नाइट्रोजन के बॉन्ड्स को तोड़ देंगे इनका काम है तोड़ना तोड़ा फोड़ी करना इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओके का क्या काम है ये भी रिमूव कर रहे हैं ग्रुप को ये भी रिमूव कर रहे हैं ग्रुप को ठीक है लेकिन ये क्या कर रहे हैं ये डबल बॉन्ड छोड़ के जा रहे हैं ये क्या कर रहे हैं बच्चे डबल बॉन्ड छोड़ के जा रहे हैं और ये हाइड्रोलिसिस नहीं करते किसी और तरीके से ये आपका ग्रुप को तोड़ेंगे देन आइसोमरीजेस क्या है आइसोमर्स बनवाएंगे ठीक है ये लोग आइसोमर्स बनवा जाएंगे इंटरकन्वर्जन हो जाएगा <coughs> जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज हो गया देन लाइगेजेस जोड़ेंगे ठीक है लाइगेजेस का क्या काम है जोड़ देते हैं किसको जोड़ेंगे या तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन सल्फर कार्बन नाइट्रोजन या फिर आपका फॉस्फरस या ऑक्सीजन को अब आ जाओ तुम कोफैक्टर्स को ठीक है कोफैक्टर्स में आपको खुद से यहाँ पे माइंड मैप एक दे रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट जो एंजाइम्स है ना जो एंजाइम्स है ना बच्चों आपके एंजाइम दो तरह के होते हैं यू हैव टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स अरे अब ये ऐसा हो गया अब ऐसा हो गया ना तो फिर वो मेरे को बोल देंगे मेरी टीम की मैम आपका ना ये ग्रीन स्किन का प्रॉब्लम चल रहा है ठीक कर लेते हैं आ जाओ एन का पी ही भी दे दूंगी मैं तुम्हें चलो लास्ट टॉपिक है बच्चे लास्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक ऑफ द कक्षा क्लास तीन घंटे ही लग गए है ना कोई बात नहीं यार चैप्टर भी तो बहुत बड़ा था ये भी तो देखो एंजाइम्स क्या होंगे <coughs> दो तरह के होंगे यू विल हैव टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स कौन कौन से होंगे यू विल हैव यू विल हैव सिंपल ठीक है एंड यू विल ऑल्सो है यू विल हैव कॉन्जूगेटेड दो तरह के हो गए यहां पे सिर्फ प्रोटीन होता है ओनली प्रोटीन इसके पास बच्चे दोनों चीजें होती हैं इसके पास प्रोटीन भी होता है और इसके पास नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है ठीक है चलो ओके थैंक यू प्रियांशी बहुत बढ़िया बात बोली है प्रियांशी आपने प्रियांशी ने इतनी अच्छी बात बोली है ना कि आप अभी यहां पे बैठ के सिर्फ दो घंटे में आपको ऐसा हो गया सेच्यट हो गए सेचुरेट हो गए एंड देन योर सर्जरी आर गोना गो फॉर कभी कभी दस दस घंटे आपको सर्जरी करने में लग जाएंगे ऑपरेशन थिएटर में लग जाएंगे तुम तभी भी बोलना कि थक गए सेच्यूरेट हो गए एक्चुअली ना अपने आप को ये भी पूछा करो डू यू डिजर्व टू बिकम अ डॉक्टर जो बच्चा ये सोच के बैठता ना कि मैं तू तो सेचूरेट हो गया अब नहीं पढ़ा जा रहा दैट बच्चा थोड़ा सोचना बच्चे डू यू डिजर्व टू बिकम अ डॉक्टर ठीक है हाँ देखो यहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी है जेनिफर मैम पता ही नहीं चला तीन घंटे कब हो गए मैम वो क्या होता है होना क्या होता है कुछ भी नहीं होता और तुम्हारे साथ मैं भी बैठी हूं तुम अकेले थोड़े ना और तुम्हारे अंदर तो मेरे से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए यू आर वेरी वेरी यंग इनफैक्ट आपको तो मुझे बोलना चाहिए कि नहीं मैम आज ही खत्म करो इसको और मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि नहीं भैया आज ही खत्म करेंगे इसे देखो जनरेशन कैसी आ चुकी है एपो एनजाइम ठीक है को फैक्टर एंड को फैक्टर यस एपो एनजाइम एपो एंजाइम आपका प्रोटीन वाला पार्ट होता है दिस इज वॉट प्रोटीन वाला पार्ट ठीक है को फैक्टर आपका नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है दोनों मिलके, दोनों मिलके क्या बनाएंगे दोनों मिलके बनाएंगे आपका होलो एंजाइम, ठीक है जितने बच्चों से शुरुआत करी थी उसके आधे बच्चे भी नहीं बैठे हैं एंड आई रियली डोंट नो व्हाट टू से सिर्फ मेरे सेशन में ही ऐसा हो रहा है या कहीं और भी होता है आई हैव नो आइडिया बट चलो जो भी है वो है दोनों मिलके क्या बनाएंगे दोनों मिलके बनाते हैं आपका होलो विच विच इज़ इज़ योर, योर एक्टिव एंजाइम, जो आपका एक्टिव एंजाइम होता है जो काम करेगा फंक्शनल है ठीक है अच्छा अब हमें ना जो हमारे कॉन्जुगेटेड होते हैं उसमें को फैक्टर जो मैंने बोला को फैक्टर आपका अलग अलग तरह का होता है, है ना हाँ तेजस्वी बच्चे बिल्कुल को फैक्टर को फैक्टर्स आपके डिफरेंट डिफरेंट तरह के हो सकते हैं वो जो मैंने नॉन प्रोटीन वाला पार्ट बताया था तो वो होगा ऑर्गेनिक या फिर मेटल आयन वो होगा ऑर्गेनिक या फिर मेटल आयन है ना चलो और जो बच्चा मेरे साथ ना पहली बार इस चैप्टर को खत्म कर रहा है जब सेशन खत्म होगा ना मुझे जरूर बताना कि पहली बार आपने मेरे साथ पढ़ाई करी और कैसी लगी क्योंकि जो मेरी ट्राइब है वो तो मेरे साथ रुकती है चाहे कितना भी टाइम मैं लगा दूँ किसी चैप्टर पर लेकिन आई वो ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि कोई बच्चा जो पहली बार आया उसको कैसा लगा ऑर्गेनिक एंड मेटल आयन एंड मेटल आयन चलो देखते हैं यहां पे आपको दो में डिवाइड कर देंगे हम इसको ऑर्गेनिक को भी दो में डिवाइड कर देंगे ठीक है चलो जैसे कि एक होगा आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरा होगा आपका को एन जाइन प्रोस्थेटिक ग्रुप पी से मतलब पास तो ये बहुत टाइटली लिंक्ड होता है टाइटली बाउंड होता है ठीक है ये होता है टाइटली बाउंड ये होता है टाइटली बाउंड, तो टाइटली बाउंड है, ओके? Okay? होगा आपका लूजली बाउंड, बहुत ज्यादा जोर से नहीं आराम से ठीक है चलो अब इसमें एग्जाम्पल क्या है इसमें एग्जाम्पल है हीम, किस किस में होगा कैटलेज और पेरोक्सीडेज में हीम कैटलेस एंड परॉक्सी डेज में इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा एन ए डी एंड एन ए डी पी एन ए डी एंड एन ए डी पी जो हम कहाँ पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन है, में फोटोसिंथेसिस में एंड इस पे बच्चे क्वेश्चन पूछा जा चुका है दिस कंटेन योर नाइसिन ठीक है विटामिन विटामिन बी थ्री वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट अब आ जाओ तुम मेटल आयन पे मेटल आयन क्या करेंगे मेटल आयन का एग्जाम्पल लिखवा देती हूं मैं तुम्हें मेटल आयन का एग्जाम्पल है जिंक फॉर कार्बोक्सी कार्बोक्सी पेपटाइडेस ठीक है दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटल आयन क्या करता है दोनों को जोड़ लेता है एक तरफ से बॉन्ड बनाएगा एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम दूसरी तरफ से सबस्ट्रेट को पकड़ लेगा तो दोनों को ऐसे जोड़ देगा और फिर प्रोडक्ट बनेगा ठीक है और फिर प्रोडक्ट बनेगा ठीक है चलो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर डू लेट मी नो कि कैसे देखो मैंने आपको सारी चीजें मैक्सिमम चीजें लिख लिख के बताई हैं और बहुत डिटेल में करवाया दिस वॉज नॉट अ सुपर फास्ट वाला मैं बोलूंगी बहुत बहुत तेजी से मैंने नहीं करवाया है आपको है ना बहुत तेजी से नहीं करवाया बट वी आर डन विद द चैप्टर यस है ना ओके okay. यस yes. भाई कल साढ़े बारह बजे अपना सेशन होगा इसी ही चैप्टर का टेस्ट होगा वो जरूर अटेंड करना है जो बच्चा और सेशन कैसा लगा ना, मुझे जरूर बताया करो डू लाइक द सेशन बच्चे मेरी एनर्जी तो बहुत जा रही है कमेंट्स में भी जरूर बताया करो कि सेशन कैसा रहा इट यू नो मोटिवेट कर देता है बस मुझे मैं जितना थक जाती हूँ ना उस सबको ख़त्म कर देता है मेरी थकान ख़त्म कर देता है बस वो ओके यस ऑल एंड बिफोर यू लीव अभी नहीं जाने का है लेट मी टेल यू कि वी हैव दिस अप टू 36 परसेंट आपका ऑफ चल रहा है जहाँ पे आप मेरा कोड लगाओगे तो बच्चों आपको ये अप टू थर्टी का ऑफ मिल जाएगा एंड प्रारंभ बैच आ रहा है आपका और आपके लिए एक नया चैनल भी आ रहा है जहाँ पे आप टेस्ट योर फर्स्ट स्टेप टू तो सक्सेस विद अन अकेडमी फाउंडेशन आई थिंक हाँ यही है नया चैनल ही है तुम्हारे लिए एंड ऑल्सो बच्चे मलयालम जो बच्चे वो आर कम्फर्टेबल विद मलयालम लैंग्वेज उसके लिए भी हमारा एक नया बैच आ चुका है विच इज़ प्राइज्ड एट सेवन टू सेवन नाइन कोड आप गारगी लगा लेना एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस बैच एंड बच्चे आपके ऑफलाइन सेंटर्स में भी हमारे बैचेस आ चुके हैं वहां पे भी आपको अर्ली बर्ड ऑफर मिल रहा है जैसे कि चंडीगढ़ में 35% परसेंट है एंड सिकर में 30% परसेंट चल रहा है एंड आई सी यू टूमोरो विल फिनिश बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड विल आल्सो फिनिश मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ठीक है चलो बाय टेक केयर